ये तो परमानेंट हो गया ऊपर वाला। लास्ट हिस्सा जो कुछ अभी तक पढ़ा, ये थोड़ा एंगल उधर भी हो गया, स्लाइड ऐसे भी होना चाहिए, थोड़ा स्टैंड लगा हुआ। और पूजा नहीं आई है तो फिर मंगलाचरण का है ना, साईश्वरी जा रही है, साईश्वरी कुछ बोलो, एनी इन्वोकेशन छोटा सा जो आप करते हो, यही ना संगत कौन सा करते हैं, सहना। ओम सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। लास्ट हिस्सा मेरे आधिकारिक प्रकरण है। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि जो किंग बने, जो राजा बने, उसकी क्वालिटीज क्या। इतनी सारी क्वालिटीज के बाद अब आप देख सकते हैं जो आजकल पॉलिटिशियन है उनमें से किसी की उसमें से 1/10 भी नहीं पूनम का, पूनम ग्रेट साईश्वरी। हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये पढ़ो, ठीक है। ये सब ये जो बड़े विद्वान है ना, इन सबकी डिमांड पर यह कोर्स बदला गया और नया बच ब्राइट है सब क्लास में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर ये पूरी का पूरा हाउ टू रन ए गवर्नमेंट, एथिक्स एंड गवर्नेंस, ये पेपर है जिसके अंदर हम शुरुआत कर चुके हैं कि राजा कौन हो। उसके लास्ट हिस्से में हम आ गए हैं। नोट्स आपको मिल सकते हैं, मैडम इसकी पेन ड्राइव भी दे सकती हूँ, उसमें सुन लेना, ठीक है। गुप्तचर पैटर्न जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ कुछ कुछ चीजें मैंने आज की पॉलिटिक्स की नोट्स इनको मिल चुके हैं, मिल चुके हैं, पढ़ना इनके ऊपर है। एनीबॉडी वांट दिस प्रारंभिक रचना अनुवाद कॉमेडी, ये बुक्स वो छोड़ गया मेरे पास। यू वांट ए कॉपी, मेरे लिए भी है साईश्वरी, साईश्वरी और पूरम दो हो गए। 45 रुपीस की है, किसके लिए संस्करण। आजकल तो हमारा ईमेल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, एसएमएस का जमाना है, लेकिन पहले एक देश से दूसरी जगह, एक राज्य से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, उसके अंदर हम दूतों का प्रयोग करते थे। तो राजा एक हिस्से पूरा करे दूत प्रणी थी। अभी भी हम वैसे इसको जो है ना यूज करते हैं, दूत प्रणी थी, दूतों को भेजना। दूत वो होते थे जो सिर्फ राजा का मैसेज लेकर के जाया, ठीक है। उनकी सर्टेन क्वालिटीज उसने डिस्कशन की है, कहता है ये तीन तरीके के होते हैं। निसृष्टार्थ, जो कि पूरे के पूरे अमात्य के गुणों से युक्त हो, निसृष्टार्थ। दूसरे परिमितार्थ, और तीसरा जो हो गया वो है हमारा शासनहर। किस काम के लिए किसे भेजना है। निसृष्टार्थ का अर्थ है जिसमें अमात्य के पूरे के पूरे गुण हो। अमात्य पहले मैं पढ़ा चुकी हूं कौन है, अमात्य के पूरे गुण हो। परिमित अर्थ, परिमित का अर्थ होता है लिमिटेड, जो अमात्य के गुण जितने हो उसके 1/4 गुण उस आदमी में हो। शासनहर तीसरा वाला हो गया। शासनहर का अर्थ है जिसमें अमात्य के आधे गुण जो है न हो। इसलिए ये पूरे के पूरे अमात्य के गुण वाला, ये 1/4 गुण वाला, ये आधे गुण वाला। डिफरेंट टाइप के काम करने के लिए, काम क्या करने है, राजा का संदेश लेकर जाना। दूसरा संधि भाव बनाए रखना। हमारा जो एम्बेसडर बैठा है पाकिस्तान में, हमारा जो एम्बेसडर बैठा है ईरान में, डिफरेंट प्लेसेस में बैठा है, वो वहाँ की एक एक गतिविधि हमें बताता है, वहाँ पर किसका क्या हो गया, तब हम इतना डिसीजन लेते हैं। नहीं तो कैसे पता लगता है कि फ्रांस में पगड़ी वाले को अंदर भी जाने दिया, होटल में जाने से रोका। खबर आती है अखबार में, फ्रांस में पगड़ीधारी को होटल में जाने से रोका, वो कैसे वायरल हो गई। तो इसलिए वो पूरी एक एक दूसरे देश में बैठ करके एक एक चीज़ की नज़र रखता है कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है,
हमारी चीजों के साथ क्या हो रहा है, हमारी थिंकिंग के साथ क्या हो रहा है, तो दूध का काम ये बड़े बुद्धिमत्ता का काम है। बहुत बुद्धिमत्ता का काम होने के कारण इसलिए अमात्य के गुण जो आकर के स्पष्ट रूप से बताए, संधि करता रहे, पराक्रम उसका दिखाई देना चाहिए हो या ना हो, लेकिन चलने में कैसा हो, काम करने में कैसा हो, दबंग, ताकि डरे नहीं किसी से भी। उसके बाद में लेकिन वहाँ का जो जिस कंट्री का वो एम्बेसडर है तो वहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, यही तो खासियत है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप गुप्तचर वाले हिस्से में आए हो, आप बीच में बैठते हो, लेकिन आपको मुझे नहीं पता आप किसके वो कैंडिडेट। एक दिन में कुछ ऐसे ही पढ़ाते हुए मैंने पहले भी बोला, मैंने कुछ केजरीवाल के ऊपर कमेंट कर दिया, तो एक बच्चे ने मोबाइल निकाला, फिर मैं कहा बंद करो इसको मोबाइल को, क्यों किया, तो दूसरा बच्चा कहता उसने केजरीवाल को व्हाट्सएप कर दिया। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात हुई, आइंदा से अभी मैं एक चीज ऐसी और पढ़ाऊंगी, तुम मेरा आवाज भी करके सीधे वो डाल देना केजरीवाल को, क्या नहीं हमारी टीचर कर रही है, भी अभी तो सेकंड रैंक में जाएगा। इसलिए जब शुरू में पढ़ाया, इवन एकेडमिक इंस्टीट्यूट को भी न छोड़े। राजा बेस्ट वो होता है जिसकी एक एक चीज पर निगाह होती है। बेस्ट प्रिंसिपल वो होता है जिसको ये भी पता हो माली क्या कर रहा है, चौकीदार क्या कर रहा है। सीसीटीवी तो बेवकूफी की निशानी है, ये सब वीडियोग्राफ होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि सीसीटीवी में अपनी बुद्धि नहीं है और वो आराम से हैम्पर्वित हो सकता है। मतलब चोर अंदर घुसने लगे, सत्र क्ले में सीसीटीवी का मुंह मोड़ दिया। हम भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैडम ने इन्हें बैठा रखा है ताकि पूरा वीडियोग्राफ ठीक हो जाए। अब हम पीएचडी हैं पर हम इसमें पूरे परफेक्ट नहीं है, इसलिए जो परफेक्शन है, सीसीटीवी इज अ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैन ऑलवेज बी खराब की जा सकती है, लेकिन आपको जहां नहीं बोलना नहीं बोलोगे, बोलना है बोलोगे, चुपचाप खड़े रहोगे, चले जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। इसलिए यू एच आर ना, ह्यूमन रिसोर्स, वो सबसे बड़ी विधि होती है राजा, क्योंकि वो उसमें से चीजें छांट सकता है। अब हमारे एडमिशन डेज चल रहे हैं, हम क्या करते हैं, जो बच्चे आते हैं उनमें से एक कहता है अच्छा रेजिटेशन वाला कौन है, डिबेट वाला कौन है, अगर वो सब ग्रुप नहीं बनता कहते हैं इस बार के बच्चे ठीक नहीं आए, क्योंकि हमें अपना पोटेंशियल कहाँ दिखाना है कि हमारे कॉलेज ने ये प्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंट किया, वो कहाँ से आएंगे। अगर सारे ऐसे आ जाएंगे तो आप अपना क्या दिखाओगे। स्कूल के टीचर जब ये कहते हैं हमें इस टाइप का लॉट दे दिया बच्चों का, आप क्या दिखाओगे, उस हिसाब से जो कॉलेज और स्कूल एक बार ऊपर आ जाता है, आर के पुरम सेक्टर 1 ले लो, DPS, हर बच्चे का जो है एस्पिरेशन है वो कहीं से पास करके 11th में वहाँ एडमिशन ले लेता है, तो वहाँ के टीचर को बहुत कम काम करना पड़ता है, बजाय उसके जो सर्वोदय कन्या विद्यालय में टीचर पढ़ा रही है वो 4 गुना ज्यादा काम करती है, क्योंकि वो इतना काम करने के बाद उसकी क्लास में जो 50 बच्चे बैठे हैं उनमें से 5 आउटपुट बेस्ट देते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन मार्क है। ये भाग्य है कि हम बहुत अच्छे टीचर होकर के भी एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर नहीं जा सकते, इसको भाग्य कहते हैं। इसलिए हम पॉलिटिक्स भाग्य सब साथ जोड़ जाड़ करके पढ़ते हैं। किसी को बिल्कुल कुछ नहीं आता लेकिन उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, और किसी को इतना ऐसा नहीं है, मैं शुरू में यही तो पढ़ा रही कि आप बीच में एक दो बार आएगी, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे कृषक वर्ग है, चाहे मजदूर है, चाहे कुछ है, हरेक के अंदर बुद्धिमान इंसान मिलेगा, हरेक में अच्छा वर्ग का मिलेगा। कैसे खींचे, चाणक्य का बस यही सबसे बड़ा सक्सेस का पॉइंट है, वो कहता है चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे चपरासी हो, चाहे क्लास 4 एम्प्लॉय हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसमें से बेस्ट कैसे ढूंढना है, ये अगर राजा ढूंढ लेता है तो वो सक्सेसफुल है। आपके पास लोग उतने ही रहेंगे, एक प्रिंसिपल के पास कॉलेज में वही 150 टीचर होंगे, 150 टीचर को किस तरह शतरंज बिछाना है कि कॉलेज टॉप पर चला जाए, बस यही तो एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज यू कांट चेंज, यू कांट रिप्लेस, लेकिन आप कैसे बिठाएंगे ताकि आपका कॉलेज आगे चले। आज की पॉलिटिक्स में यही सबसे बड़ी नेगेटिविटी हो गई है कि बेस्ट पर्सन को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करता, और बेस्ट पर्सन कभी सामने नहीं आता, याद रखना। नरत्नम अन्विष्यते मृग्यते ही तक, रत्न किसी को खोज नहीं जाता, लोग उसे खोजते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता।
इसीलिए स्कूल में भी वही टीचर सक्सेसफुल जाता है जो क्लास चुपचाप बैठे तो कई बच्चे डरे डरे चुपचाप बैठे होते हैं, कुछ तो बड़े वोकल होते हैं, वो हर जगह प्लेटफॉर्म लूटना चाहते हैं। जरूरी नहीं उनमें पूरा कैलिबर हो सकता है कोई छुपा हुआ और बच्चा बैठा हो, अगर मैं उसकी प्रतिभा को आगे ले आती हूँ तो विन-विन सिचुएशन। इसलिए चाहे सीसीटीवी करो, चाहे डिजिटल इंडिया करो, चाहे कुछ भी करो, उसका लिमिटेड स्कोप होगा और आपका स्कोप बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप डे बाय डे ग्रो भी करते हैं। एक इंसान जो होता है ना, जब उसको एक प्रोफेशन मिलता है ना, तो डे बाय डे ग्रो करता है उसको। जब हम टीचर बने थे और जो अब है, दोनों में फर्क है। जब बिजनेस आपने शुरू किया और जो बिजनेस अब चला रहे हो, दोनों में फर्क है। जैसे इन्होंने शुरुआत किया और अब कर रहे हैं, बहुत फर्क है, क्योंकि हर दिन ह्यूमन माइंड अपनी सक्सेस के लिए पॉलिश होता चला जाता है। इसलिए दूध सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ही दो देशों को जोड़ करके रखते हैं और इन्हीं के बेस के ऊपर राजा जो है कई सारे जो है शत्रु जो काम कर रहा है उसके कृत्यों को फोड़ दे। अगर वहां जरा सी हिंट भी हो रहा है ना हमारे देश के खिलाफ, ये हो रहा है, अब इस तरह राजनीति होने वाली है, हमारे वीजा बिगड़ने वाली है, तो पहले ही हाय हाय शोर मच जाता है कि हमारे बच्चों को ये नहीं मिलेगा, हमारे को ये नहीं होगा, फलाना वीजा गलत हो गया, कौन बताता है। इसे शत्रु जो कार्य को शुरू करना चाहे, दूत उसकी इंटीमेशन दे दे, पहले से आदमी सज जाए। इसलिए दूत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी राजा के सक्सेस के लिए। हाँ जी, अर्थशास्त्र इज इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इट्स ऑल। अब शुरू के लेक्चर ले लेना, पहले उसके बाद पूछना, क्योंकि हमें फर्स्ट में अर्थ क्या, अर्थ का सामान्य अर्थ है के लिए, दैट इज अ संस्कृत वर्ड, अर्थ का अर्थ है के लिए, द्विजार्थम द्विज के लिए, प्रजार्थम प्रजा के लिए। हम इस संसार में पैदा होके आए, फर्स्ट धर्म है, सेकंड अर्थ है के लिए, प्रयोजन। अर्थ इज नॉट, बाद में इसका जो है ना वो नैरो हो गया मीनिंग, इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ गया, इसमें सारी पॉलिटिक्स भी, शासन तंत्र भी बीच में, पॉलिटिक्स उसका एक, इकोनॉमिक्स उसका एक हिस्सा है, चूंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप तुमने पूछ ही लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ बीच में पड़ा है, धर्म इधर है काम इधर है, अर्थ बड़ा फ्लक्चुएटिंग करता है, जब धर्म के साथ जुड़ जाता है तो धर्म बिगड़ जाता है, काम के साथ जुड़ जाता है काम बिगड़ जाता है। इसलिए जो अर्थ को बांध लेता है उसके धर्म और काम दोनों ठीक रहते हैं। आज दोनों ही गड़बड़ हो रहे हैं, हो रहे हैं, धर्म भी हो रहा है और काम भी हो रहा है, क्योंकि अर्थ को हम बांध नहीं पा रहे। पहले तुम पुराना सुन लेना, ठीक है, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन हो जरूर बताएंगे साई शुरू, ठीक है। इसलिए दूध इम्पोर्टेंट। अब ये इम्पोर्टेंट होने के बाद एक चीज बची, राजा भी तो एक फैमिली मैन होगा, उसका भी कोई वाइफ होगी, उसके भी कोई बच्चे होंगे, और जो बच्चे होते हैं ना वो सबसे बड़ा डेलिकेट पॉइंट होता है किसी के फेलियर और सक्सेस का। इंदिरा गांधी क्वेश्चनेबल हो गई थी संजय गांधी की पॉलिसीज से एक टाइम में, संजय गांधी के 5-point प्रोग्राम थे और लोग इंदिरा गांधी को कर्ज करने लगे थे, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि वो उसे छोड़ नहीं पाते और उसको पकड़ भी नहीं पाते, है ना। इसे राजपुत्र रक्षण ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू चाणक्य लेता है, क्योंकि वो भी एक फैमिली मैन है, उसका भी कोई बालक होगा, तो उसके साथ कैसे चले। डिफरेंट पॉलिटिशियंस ने, डिफरेंट आचार्यों ने इसके डिफरेंट डिफरेंट अर्थ दिए, पूरे का पूरा चैप्टर बना हुआ है जिसको सारा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आप जब देखना तो पढ़ भी सकते हो, पेज नंबर है इसका, अजय जी तो पढ़ ही रहे, 53। राजपुत्रों की रक्षा कैसे की जाए, सारी की सारी चीजें तो इसके अंदर। क्वेश्चन, इसमें जो है ये परमानेंट रेजिडेंसी वाला एम्बेसडर नहीं शायद किया है ना, परमानेंट तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करना ही नहीं चाहता कोई भी, नहीं तो, जो ये दूत है ये स्पेशल मैसेंजर है जो लेकर जाएगा और वापिस आ जाएगा, हाँ, नॉट लाइक द करंट एम्बेसडर्स, आजकल तो परमानेंट नौकरी है। इसके अंदर वो कितनी देर स्टे करेगा, दैट कैन बी 5 years और 10 years ऑल्सो, बट दैट कैन बी 2 days ओनली, इट डिपेंड्स ऑन द प्रयोजन, आपका प्रयोजन क्या है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर चाणक्य हर जगह ये कहता है प्रयोजन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मुझे पुनीता काम में आए या पूनम काम में आए या साईश्वरी काम में आए, हम फ्यूल है, प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको प्रयोजन प्रोजेक्ट को पूरा करना, उसके अंदर बाकी चीजें सारी की सारी गौड़ है, उसके अंदर कौन कैसे किस तरह किस लिए काम आएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट।
और अगर वो गुणों से युक्त हो तो आप राजा का बैठे बैठे काम हो जाएगा। इसलिए हर जगह गुण युक्त व्यक्ति ढूंढा जा रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप का प्रोफेशन क्यों ना। इसलिए राजपुत्र, अब राजपुत्र एक ऐसी चीज है, बालक तो बालक है, वैसे ही पैदा होगा, वैसे ही बड़ा होगा, वैसे ही खेलेगा, वैसे ही सबके साथ करेगा। तो बहुत सारे आचार्य कहते हैं ये एक नेगेटिविटी है राजा के, कोई उसको साथ ले लेगा, उसके साथ संबंध बढ़ा लेगा, फिर वो तुम्हारी पहुंच तक चला जाएगा, या उसके साथ कोई क्राइम करेगा या कुछ करेगा। वात व्याधि कुछ कहते हैं, भरद्वाज कुछ कहते हैं, कोई कहता है राजा साथ ही न रखे, उसको आश्रम में ही भेज दे, कोई कहता है उसको पहले ही नजरबंद करके रखे, स्कूल में भेजे ही नहीं, घर में ही बैठ के सारा पढ़ाए। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वर्शंस उसने ढेर सारे लिखे हैं, बहुत सारे आचार्यों के मत लिखे हैं। और अगर वो थोड़ा सा गलत हो जाए तो नजरबंद कर दे उसे, उसे बाहर ही ना आने दे, ठीक, उसको रानियों से भी बचा के रखे। चाणक्य को ये सब मंजूर नहीं, मैं सिर्फ चाणक्य का क्योंकि बहुत लंबा सा है आप देख लेना, चाणक्य को ये सब मंजूर नहीं। वो कहता है कि आप जहां राजा राजा है वो एक पिता भी तो है, और राजा का काम धर्म को, धर्म की रक्षा करना है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की, तो क्या पिता के धर्म की रक्षा करना उसका काम नहीं है? वो भी है। इसलिए बालक को बिल्कुल जैसे बाकी बच्चे पैदा होते हैं ठीक उसी तरह खेलने दिया जाए, काम करने दिया जाए, उसकी अपनी लाइफ चलती जानी दी जानी चाहिए। क्योंकि वो कहता है बालक को गलत शिक्षा देना ठीक वैसे ही है, कोटेशन देता है, जैसे नए घड़े के अंदर आप घी डाल दो या पानी डाल दो तो बड़ी जल्दी चूस लेता है। इसलिए बच्चे को थोड़ी सी गलत बात बताई हुई भी उसके अंदर परमानेंट बैठ जाती है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा होना चाहिए। अब हमें कोई ऐसी चीज पढ़ाई ना, अब मैं पढ़ाऊँ अजय जी को, उनको अनुज जी को, तो ये सब बड़ा जल्दी जल्दी एनालिसिस करेंगे, पर साईश्वरी को पढ़ा दे तो अंदर जम जाए। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है, 11th तो बड़ी हो गई, उससे पहले बच्चा सिर्फ जो हम बताते हैं वही सीख रहा है। जब हम अभी कोई पढ़ाता तो हम 10 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब बुद्धि परिपक्व हो गई, अब हम ऐसे डम ड्रिवन कैटल की तरह नहीं मानते। इसलिए बचपन के अंदर टीचर, बचपन की शिक्षा, बचपन की कहानियां दी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो एंड तक आपके अंदर पड़ी रहती है। इसलिए जैसे नए घड़े के अंदर पानी डालो, घड़ा पानी पी जाता है, देखा है ना, दिए को पहले भिगो के रखना पड़ता है ताकि तेल ना पी जाए। दिए से तो पता लग गया होगा, सारी छोरी सोच रहे नए जमाने के बच्चे उनको पता नहीं है, दिवाली पे दिए पहले भिगोए जाते हैं, इसलिए भिगोए जाते हैं ताकि पानी पी ले, फिर तेल डाले तो तेल ना पिए, जो तेल पी जाएंगे। तो इसी तरह बच्चे के अंदर जो भी आप अवगुण डालोगे वो परमानेंट हो जाएंगे उसके अंदर। इसलिए राजा को अपने बेटे को बिल्कुल पिता की तरह अच्छी तरह बड़ा करना चाहिए, बस एक ही उसके ऊपर लगाना है, सत्री गुप्तचर की पूर्ण निगाह उस पर रहनी चाहिए। सत्री गुप्तचर पढ़ाया था ना, एक स्थाई होता है एक संचारी होता है, पूरी निगाह सत्री गुप्तचर की रहे कि राजपुत्र क्या कर रहा है और उसको करवाने वाले क्या कर रहे हैं और पढ़ाने वाले क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पढ़ाने वाला ही जो व्यक्ति है वो उसको परे कर दे। इसलिए राजपुत्र जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पितृ धर्म का हनन नहीं होना चाहिए। इसलिए बालक के लालन पालन में, उसकी शिक्षा दीक्षा में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। परंतु फिर भी सभी तो बुद्धिमान नहीं होते, कहता है इसलिए राजपुत्र 3 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं बुद्धिमान, दूसरे होते हैं आहार्य बुद्धि, आहार्य बुद्धि, और तीसरे होते हैं आपके दुर्बुद्धि। तीन तरीके के बालक निकलते हैं। बुद्धिमान का अर्थ है जो धर्म और अर्थ को उचित रीति से ग्रहण करे, उसे बुद्धिमान बालक कहते हैं। धर्म और अर्थ पुरुषार्थ चतुष्टय में पहले दो, जो धर्म और अर्थ को पूरी तरह ग्रहण करे, उचित रीति से, उचित ट्रेडिशन से, विद प्रॉपर मीनिंग, विद प्रॉपर यूसेज, उसको बुद्धिमान बालक कहते हैं। आहार्य बुद्धि जो धर्म और अर्थ को ग्रहण तो कर ले लेकिन उसे लगाना ही ना आए। स्कूल में एक हिंदी की किताब में कहानी हुआ करती थी, वो हमारी बड़ी फेवरेट कहानी थी, अब वैसी किताबें नहीं बनती है कि माँ ने जो है बच्चे को कहा,
वहीं उसके पिताजी गुजर गए और उसने कहा चल अब कोई काम ढूंढ, खाना कहाँ से खाएंगे। लड़का छोटा था बेचारा, घूमता हुआ गया एक किसान के यहाँ नौकरी लगी। उसने सुबह से शाम तक उससे काम कराया और चलते हुए उसे 1 रुपया का सिक्का दिया। बच्चा छोटा था 10-12 साल का, उसको बड़ा खुश हुआ कि माँ देखेगी खुश हो जाएगी। वो सिक्का उछाल उछाल के आ रहा था, उछाल उछाल के आ रहा था, सिक्का लुढ़क गया, अब उसे कहीं मिला ही नहीं। घर आके माँ को बताया तो माँ ने कहा ये तो बड़ा गलत हुआ, ऐसा कर एक रुमाल ले जाओ, उसमें बांध कर लिया। अगले दिन वो रुमाल लेके गया। शाम को क्या हुआ, किसान तो किसान है, उसने क्या किया, उसने दूध बचा था उसे दूध दे दिया, उसने रुमाल में डलवा लिया। इसको कहते आहार बुद्धि। घर आए, माँ ने पूछा तो माँ कहती है तो बहुत गलत हुआ, ऐसा कर तो बाल्टी ले जा। अगले दिन किसान ने उसे मुर्गी दी, उसने मुर्गी को बाल्टी में रखा, मुर्गी फुर्र से उड़ गई। ठीक है, अब माँ ने अगले दिन कहा, उसने माथा पीटा, उसने एक रस्सी दे दी, कहती है मुर्गी दे तो पैर पूर बांध के ला दो। अगले दिन किसान ने उसे एक बकरी दे दी, वो उसको चारों टांगे बांध के घसीटता हुआ घर ले आया। इसको कहते आहार बुद्धि। आपको चीज तो आती है, आप माँ की बात मानते हो, माँ ने जो कहा आप ले भी गए, आपने उसको मान भी लेकिन यूज ही नहीं करना आया। तो ऐसे आहार्य बुद्धि बालक को आपने धर्म अर्थ का ज्ञान दे दिया लेकिन लगाने ही नहीं आया। ठीक है जी, हो सकता है ना ऐसा। तीसरे है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का अर्थ है जो कि धर्म अर्थ से द्वेष रखे। सीखना तो दूर की बात है, द्वेष रखे। मैं तो ये नहीं सीखता, मुझे वैसे ही सब कुछ आता है। आजकल तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो ज्ञानी ही पैदा होते हैं। आप राजा के सामने जब, ये 3 तरीके की बुद्धि के लोग हैं, राजा अपने बच्चे की बुद्धि को परखे कि वो किस तरीके की बुद्धि का बालक है, वो बुद्धिमान है या आहार्य बुद्धि है या दुर्बुद्धि है। सिर्फ अगला राजा बनने का अधिकार बुद्धिमान बालक को है। यदि अगला इनको देके चला जाता है तो जितनी देर उसने शासन किया उसको भी दोबारा पाप लगेगा। और कहता है यदि अपना बालक कोई ऐसा ना निकले तो अपनी बेटी का बेटा या अपने बेटे का बेटा उसको दे, अगर वो भी ना निकले तो अपने मामा के घर से कोई बालक या अपनी मौसी या बुआ के घर से कोई बालक ऐसा हो, बुद्धिमान को ही दे, शेष को नहीं। एक बार बुद्धि बुद्धिहीन या दुर्बुद्धि व्यक्ति राजा यदि बन जाए तो कई शताब्दियों तक देश पीछे चला जाता है, फिर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आप जहां राजा बनते हैं आपके नीचे डिफरेंट टाइप के ब्रेन के लोग होते हैं, वो शार्प भी होते हैं, वो तेज भी होते हैं। इसलिए आप राजा को कहीं भी ये नहीं कहता कि उसी का बेटा ही राजा बनेगा ना, कहता चुन अपने बेटे में से कि कौन सा बेटा सबसे अच्छा है। इसलिए ऐसा चाणक्य कहता ये बिल्कुल बेकार है कि उत्तराधिकार बड़े को मिलेगा ना, बुद्धिमान को मिलेगा। इसलिए जब राजा मरने लगा था तो उसने टेस्ट लिया था अपने 3 लड़कों का, कहा था इस वक्त मेरे पास सिर्फ ये रुपए हैं, 50 रुपए ले जाओ और मेरा अब शाम का समय है, जाने वाला हूँ और वो जो कमरा है उसको भरना है 50 रुपए, बस इतना ही पैसा है। बड़ा लड़का रूई लाया था, एक लड़का भूसा लाया, तीसरे की बारी आई तो डरता डरता गया, वो एक मोमबत्ती ले आया था, उसने वो जला के रख दी। राजपाट किसे मिला? मोमबत्ती वाले को। 50 रुपए में सिर्फ 10 रुपए की मोमबत्ती लाया, 40 रुपए बचाए और कमरा भी भर दिया। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है ना, कम से कम पैसे में मैक्सिमम यूज, इसको बुद्धि कहते हैं। इसलिए राजा बुद्धिमान व्यक्ति को ही अगला राजा नियुक्त करे, ऐसा ना करे कि ये मेरा है इसलिए इसको कर दे, क्योंकि राष्ट्र इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू। इसलिए आप आगे तक कई शताब्दियों तक देश पीछे ना हो जाए आपका बड़ा हुआ, इसलिए बुद्धिमान को ही राज्य दे। आप इसके बाद नेक्स्ट है एक छोटा सा एक क्वेश्चन, दुर्योधन को कहाँ डालेंगे बचपन के उसके, किसको दुर्योधन को किस कैटेगरी में डालेंगे बचपन में? आहारी बुद्धि नहीं होगा, आहारी बुद्धि नहीं है उसका, पासे खेलने में तो बहुत दिमाग चल रहा है।
ये पहले तो उसको सुयोधन बोलते थे ना, दुर्योधन, दुर्योधन बाद में बना था उसका, क्योंकि ऐसा इसलिए उसको दुर्बुद्धि बोलेंगे, अगर वो ये होता तो उसे ये समझ भी ना होती, जैसे अभी कहानी सुनाई है कि ये मुर्गी है कि दूध है, वो उसको ये समझ तो है कि किसी भी तरह चाहे पासे के लोग भीम को गिराया था, नदी में फेंकाया था, तो वो दुर्बुद्धि है कि बस मुझे टारगेट ये, इन्हें कुछ ना मिले, उसके लिए कुछ भी हो जाए। किसी ने आज वो भेजा है कि यह यूपी में लोगों की इतनी गरीबी फैली हुई है, ऐसी चीजें मैं आगे फॉरवर्ड नहीं करती, कि वहां पर सुबह सुबह गरीब लोगों को उठ करके लकड़ी खानी पड़ती है ना, नीचे लिखा है अरे राहुल बाबा ये तो दादोन है, राहुल बोल रहा है यूपी के लोग इतने गरीब हो गए इनके राज्य में, सुबह लकड़ी चबा के पेट भरते हैं, ऊपर फोटो बनाई है चबाते हैं, नीचे लिखा है राहुल बाबा ये दांतों में। जितने जोक हो सके हो जाते हैं, तो ये हो गया राजपुत्र, ये वीक कड़ी थी। जहाँ रानियां हैं वहां पर रानियों का तो रानियों पर भरोसा न करें, हाँ ठीक का उसका यूज करना नहीं आता, अदरवाइज मेनी प्लेसेस वो ठीक है लेकिन उससे दुनिया नहीं चलती। राजा अच्छा चेस प्लेयर वो होता है जो खेलते हुए अगले 10 पॉइंट साथ देखे, उसको कहते हैं, जिसको उसी टाइम याद ना आएगा कहने तो वो कैसे पॉलिटिशियन बनेगा। अब ये एक्चुअली खेती सी पैदा कर ली है, इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ ना आता हो ना कुछ और होता, इलेक्शन नहीं लड़ते कलेक्शन शुरू हो जाती है, इसलिए ये हो गया। रानियों का एक छोटा सा हिस्सा है, रानियों का भरोसा करने को चाणक्य कहता है करो ही मत किसी का, बिल्कुल मत करो, अनेकों एग्जाम्पल देता है। वो अकेले उससे मिलने गई थी तो उसको मरवा दिया था, आपके सामने शिवाजी का बेटा संभाजी, सर नमस्कार सर, संभाजी का क्लियर कट एग्जाम्पल है, उसमें इतनी सारे उदाहरण दिए। वो कहता है यहाँ तक कि जब वो जाए किसी के साथ तो भी एक बूढ़ी जो बहुत ही विश्वस्त हो उसको साथ रखें, और कई कई जगह तो प्रोस्टिट्यूट को भी साथ रखें, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट वहां पर वही प्रयोग करता है जो दूसरी लेडी से कई गुना ज्यादा तेज होती है, क्यों, क्योंकि उसने पब्लिक देखी होती है। और उसके बाद वो सिर्फ हाव भाव और शकल और एक छोटी सी चीज हिलने से पूरा पढ़ देती है दूसरे को, इसलिए उन्हें साथ रखे, विश्वास न करें बिल्कुल भी, क्योंकि एक राजा की कई रानियां हैं, पॉलिटिकल शादियां होती हैं। अकबर की शादी जो मान सिंह की बांस हुई पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल शादी है तभी तो सारा इतना मुगले आजम और सारा कुछ हुआ, ये जो पॉलिटिकल शादी है, इसलिए रानियों पर तो भरोसा करने को वो कहता ही कहता, पूरे विश्वास के साथ जाए, यहाँ तक कि जूड़े में जो फूल लगाए हैं उनकी भी चेकिंग कर ले, कटार की भी कर ले, क्योंकि एक तो ऐसा एग्जाम्पल देता है कि जो वो अकेला उससे मिलने गया था रात का टाइम, तो उस रानी का भाई पलंग के नीचे लेटा था, उसने उसे मार दिया, इसलिए यहाँ पर राजा को बहुत ज्यादा सख्त के रहना है। अपने बेटे के लिए तो बता दिया उसने कि अगर बुद्धिमान हो तभी राज्य दे, नहीं तो ना दे, ठीक है। रानियों के लिए आप इसमें रीडिंग कर लेना, रानी इस चैप्टर में रानी वाला, रानियों के लिए बहुत सारा मैंने बीच बीच में से कई कुछ पढ़ा है, रानियों का आएगा अभी बताऊंगी, है इसके अंदर कहीं, मैंने सोचा इसकी तो ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, फिर वो ज्यादा ही कुटिलता ही आ जाती है, पूरी तरह कुटिलता आ जाती है ना ऐसी चीज पढ़ाने में, इसलिए मैंने कहा वो हिस्सा थोड़ी जरा बड़े बड़े लोगों पढ़ लेंगे। अब वो राजा जो खुद उद्योगशील होता है वह ही श्रेय और संपत्ति पाता है, इसलिए राजा कहीं भी सुस्त नहीं होना चाहिए, वो इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता है जहां प्रिंसिपल खुद भी चलता रहे तो दुनिया चलती रहती है, डायरेक्टर खुद चलता रहे तो दुनिया चलती है, अगर वो ही बैठ जाएगा ना गया काम से। इसलिए राजा को नित्य व्रत और नैमित्तिक व्रत दो बताए, कहता दिन के 8 हिस्से कर ले, दिन के 8 हिस्से करे और 8 ही हिस्से रात के करे, जिसके लिए उसने एक इकाई बताई है त्रिपौरुषी छाया से वो यूज करता है। हमारे ज्योतिष में तो टाइम कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड हैं, परंतु ये इसको छाया से लेता है, कहता कोई घड़ी की जरूरत नहीं है, सुबह जब आदमी खड़ा हो उसकी तिगुनी छाया पड़े तो उसे कहते हैं त्रिपौरुषी छाया, मतलब दिन का पहला प्रहर चला,
त्रिगुण योग छाया पड़ती है, फिर दोगुना रह जाती है अगला प्रहर, फिर एक चौथाई रह जाती है, दोपहर को बिल्कुल छाया नहीं होती, नीचे नीचे होती है, फिर रिवर्स में चार अंगुल, अंगुल का अर्थ होता है ये जो ऐसे ऐसे ऐसे, इसको अंगुल कहते हैं। टाइम नापने के यही मेथड है हमारे यहाँ, सांस है, अंगुल है, हाथ है, कितने हाथ, अभी भी देखो हम कुछ लेने जाते हैं तो कोई इंच पे लेके नहीं जाते, ऐसे ऐसे काउंट करते हैं और नाप लेते हैं, ये अभी रेडीमेड है ना, बिल्कुल ऐसे रखा ऐसे रखा ऐसे रखा, नाप अपना स्केल करिए। अब रिवर्स में पहले तिगुनी, फिर दोगुनी, फिर चार अंगुल, फिर नहीं, अब चार अंगुल, दोगुनी, तीन, यानी दोपहर के बाद मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं पहले उधर जाऊंगी, फिर मैं उधर से रिवर्स में चलूंगी, इसलिए हमारे पूरे ज्योतिषी गणना ऐसे होती है। अगर आपने 10, 8 और 3 है तो पहले 3, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलिए। यहां से मैं भारतीय विद्या भवन आई तो भारतीय विद्या भवन से वापस चलूंगी, बीच में मध्यान्ह है, पहले जब तिगुनी छाया हो तो पहला आर हो गया, दूसरा आपका जो है, फिर जब उसके अंदर मात्र एक पुरुष की छाया रह जाए, एक पौरुष की छाया, तो दूसरा प्रहर, जब सिर्फ चार अंगुल रह जाए तो तीसरा, फिर मध्यान्ह हो गया, चार हो गए। मध्यान्ह का अर्थ है अन्न का अर्थ होता है दिन, मध्य का अर्थ है बीच का टाइम, जो दिन का बीच का टाइम है तब छाया मिले। हमारा ज्योतिष उसको कीली से नापता है, जो होती है ना कीली, कहता है डाल दो एक ऐसी जगह लगाओ जब सुबह उसकी छाया ना दिखे, उसको मध्यान्ह कहते हैं। आप मध्यान्ह के बाद जब चार अंगुल छाया आपके बढ़ने लगे तो पांचवा हो गया, फिर एक पौरुष छठा हो गया, फिर तिगुना सातवां हो गया, और लास्ट में दिनांक दिन खत्म हो गया, ये आठ पहर हो गए। आप देखो नित्य प्रति क्या क्या करना है, पहले पहर के अंदर हर रोज रक्षा संबंधी चीजों की जांच करें और आय व्यय का ब्यौरा देखें, टाइम टेबल फिक्स है, बीच में थोड़ा बहुत अलग फेल हो सकता है, हर रोज देखें सिक्योरिटी पर्पस, रक्षा संबंधी कार्य, और दूसरा अपने आय व्यय का ब्यौरा, कितना आया, रोज लेजर के ऊपर हर रोज नजर होनी चाहिए, जो राजा की लेजर के ऊपर नजर नहीं होती ना जिस बिजनेसमैन की, वो हार जाता है, फोकस तो यही है क्या आया और क्या गया। सेकंड के अंदर लोग क्या काम कर रहे हैं आपके देश के, पूर्ववासी जनवासी इतने गुप्तचर पाले हुए हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, उनका पूरा निरीक्षण करता चले। तीसरे हिस्से के अंदर स्नान भोजन स्वाध्याय सब कुछ करें। चौथे हिस्से के अंदर जो बीते दिन की आमदनी उसको संभाले और नई युक्ति बनाए, जैसे मुझे प्रॉफिट हो गया आज 1 करोड़ का, अब 1 करोड़ को कैसे नए में लगाना है ताकि 1 के 2 करोड़ हो, ये भी तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो आपने जो प्रॉफिट आपको हो रहा है उसको कैसे करना है, और अगर घाटा हो रहा है तो क्या चीज हटानी है, ये भी डेली डेली ये काम करें, फंडिंग मत करें। हमारे यहाँ बजट आता है 1 साल बाद फिर पता लगता है डीटीसी को घाटा हुआ, डीएमएस को घाटा हुआ, ऐसे नहीं करना, साथ के साथ काम करें। और फिर पांचवें में जो भी आपने पॉलिसी बनाई मंत्री परिषद के साथ बैठे उसके डिस्कशन करें, किसी को चिट्ठियां भेजनी हो, किसी को कॉल करना हो, कोई टेंडर हो, उन सबकी चर्चा उसके अंदर करें। और फिर छठा हिस्से के अंदर स्वतंत्र हो गए घूमे बचते, आपने स्वतंत्र हो गए, आहार विहार करें, खाए पिए, किसी से बात ना करें, घूमे कुछ देर, लेजर टाइम अपने लिए करें। उसके बाद नेक्स्ट होकर के शाम को हाथी घोड़े इन सब का निरीक्षण करें। सब पढ़ा हुआ तो एक चाणक्य की पूरी पॉलिसी है, कोई 1 मिनट भी खाली ना बैठे, एक्चुअली ये हमारे भारत का कल्चर ही है, लेकिन किसी के बस पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। मेरी नानी आज भी अगर मैं कुछ 1 घंटा खाली बैठ जाऊं, मेरी माँ आजकल दूसरे वाले घर में रहती है जब से मेरे फादर गए हैं, मुझे खुद को फील होता है वो खाली बैठी मैडम इसमें साफ। मेरी नानी कहा करती थी, तुम पहले बताओ क्या कहती थी, मेरी नानी कहती थी कुड़े, मतलब पंजाबी में कुड़े, किसी ने चमनी प्यारा सब कम प्यारा, चामनी प्यारा कम प्यारा अगर आज भी मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, हाथ में हाथ रख के क्यों बैठी थी, छोटा शासन तो ठीक है,
हम मोदी को यहाँ पे ले लेते हैं तो मोदी के पास इतने सारे डिपार्टमेंट आ गए, वो सारी चीजें करेगा तो सब कुछ ओवरलैप नहीं हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, ये शार्पनेस है। कल मैं परसों पूनम बैठी हूँ, कोई मीटिंग हुई और मेरे मुंह से इंस्टेंट निकला, जैसे यहाँ पढ़ाती हूँ ऐसे इंस्टेंट बोल भी देती हूँ, मेरे मुंह से निकला द प्रॉब्लम इज दिस वन, कि जो जो आपका जो है ना, जिनको काम नहीं आता, द पीपल हु डू नॉट नो एनीथिंग, उनके सामने हमें जो है ना ये जो काम करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कि आपको ये तो पता नहीं करना क्या, उनके साथ काम करना कितना मुश्किल है, इससे अच्छा तुम कर लो, चलो चले जाओ। इन कैपेबिलिटी से बड़ी चिढ़ है कहीं ना कहीं पे वहां पे मोदी जी के नजरों में। डोंट लुक एट मोदी जी, लुक एट प्राइम मिनिस्टर। I mean, we should, my suggestion. Modi is occupying the chair right now. He is not the king of the chair. नहीं नहीं सुमित जी, हाँ बोलो सुमित जी, हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट के ऊपर नेग्लिजेंस नहीं दे जाएंगे कि भाई आपको ये छोड़ दिया, आपको ये दे दिया, ये आप देखिए, ठीक है आप बुच्चर हैं तो आपने ये दे दिया है, आपने ये चीज हमारा आगे पेश कर दिया, ठीक है। वो हर चीज को कोई बारीकी से, हर चीज बारीकी से देखनी चाहिए। आप फादर तो होंगे कम से कम, हेड ऑफ द फैमिली है होंगे ना, दादाजी है आपके, पिताजी होंगे। एक आपने सिर्फ छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, हेड ऑफ द फैमिली आप में से तो कई होंगे, ये काम माँ कर रही है, ये काम बेटी कर रही है, ये काम बेटा कर रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर उसे ये पता नहीं लगता कैसे कर रहा है और उसको क्या दिक्कत आई, तो आप खाक हेड ऑफ द फैमिली है। आसान नहीं है हेड बनना। यहां तक कि मेरे फादर को पता होता था, हम छोटे छोटे थे तो जब चाय बनानी, मेरी माँ थोड़ी मतलब जल्दी उसमें होती थी बनाते, तो मेरे फादर नहीं 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 ऐसे नहीं, ये अगर ऐसे डालोगे ना बेटा तो डबल कम काम करना पड़ेगा। हर चीज में टेक्निक, हर चीज में टेक्निक। आपकी इतनी शार्पनेस होनी चाहिए, प्रिंसिपल हो के, डायरेक्टर हो के, प्राइम मिनिस्टर हो के, कि आप सब कुछ देख भी नहीं रहे और हर चीज देख रहे हैं। अच्छा टीचर वही होता है, नहीं कि 40 में वो नीचे करके ऐसे पढ़ाता जा रहा है और बच्चे पीछे मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहे हैं। अच्छा टीचर है मोबाइल वाला भी दिख जाए, इधर वाला भी दिख जाए और पढ़ाई भी चलती रहे, तब बच्चे डरते हैं। चाणक्य का ही कथन है ना, चार चक्षुषाही राजा। यस, वो अपनी आंखों से नहीं देखता। राजा का मतलब सोने का तो है ही नहीं, दूसरों की आंखों से देखता है। सोने का नहीं है, अगर मैंने आपको एक पूरा काम दे दिया, मेरी पूरी निगाह है, आप कर कैसे रहे हैं? इतना डर आपको होना चाहिए। जिसका ये डर नहीं होता कहते क्या कर ले गए, अपने आराम से बैठो। ये हमारे देश को पीछे ले जा रहा है, हमारे देश का बेसिक कल्चर जो है ना कार्यशीलता है। हमारे देश का बेसिक कल्चर यह है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है उन्होंने, हम भी उसमें से वैसे भागी नहीं है पर 1% मान ले हम भी, उसके अंदर बच्चों को फ्री में बैठने की आदत है। क्यों? कहां हमारे पिताजी बैग सामान उठा के इतनी दूर चलते हुए जाते थे, वो भी तो बच्चे ही थे, कितनी दूर पढ़ने के लिए जाते थे, बोझा अपना खुद उठाते थे, घर में खाना नहीं होता था, आके खेत में भी काम करते थे, अरे एक स्कूल में चढ़ गया, हाय हाय किताबों का बोझ, बैग का बोझ, एक इशू बनाया हुआ मीडिया। तो नौकर साथ लेकर जाता था बस स्टॉप तक, बच्चा बैग भी नहीं उठाता। अब इन्होंने एक रिसर्च किया, कल व्हाट्सएप पर किस पे आ रहा था, मैं पढ़ रही थी नेट पे, कि जापान के लोग इतने शार्प क्यों हैं अभी भी, तो उनके एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए अब ये जाते हैं, हमारे बुद्धिहीन लोग जाते हैं। मैं तो बुद्धिहीन का ही प्रयोग करूँगी, बुद्धिहीन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, जापान के अंदर स्कूल में बच्चे आके एक क्लास के अंदर, एक पीरियड के अंदर सफाई करते हैं क्लासरूम की, कीले खुद लगाते हैं, चार्ट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका एक और काम होता है जिसमें वो सेवा करते हैं बीमारों की, उसके अंदर ये वो कहते हैं, वो स्कूल के अंदर एक खेत सा बनाया हुआ, तो एलएसआर ने भी टमाटर उगाए हैं, जगह लड़कियां काम करती हैं उसमें, तो वह जो है वो काम करती है खेत में, और उसके बाद वो खुश है, बच्चे में बड़ी एनर्जी होती है। देयर आर टू गवर्नमेंट आईटीआईज इन दिल्ली, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग, दो गवर्नमेंट आईटीआईज इन दिल्ली में, जहां पे वर्कशॉप के अंदर कोई भी क्लीनिंग वो कर्मचारी नहीं जाता, स्टूडेंट्स हैव टू मेंटेन द वर्कशॉप इनसाइड। फिर मुझे अपना स्कूल याद आया, हमारे समझ स्कूल से पढ़े करते हैं वो लोग, बाकी में तो दूसरे भी नहीं करते। हमारे समझ स्कूल से पढ़े, फिर अपना स्कूल याद आया कि हमारा फिफ्थ क्लास से एक वेडनेसडे के दिन सफाई का वो होता था, सुबह लंबी असेंबली और उसके अंदर सफाई में ड्यूटी लगती थी 5-5 बच्चों की,
या छः छः बच्चों की, एक खिड़की के शीशे साफ करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा, अगली बार एक हफ्ते बाद बारी आएगी तो अगले पाँच की, फिर अगले पाँच की, तो उस दिन हम गंदे पुराने कपड़े से पहन के चले जाते थे, यूनिफॉर्म के जो धोए नहीं होते थे, तो ये काम ऐसे ही आ गया करना। और अब जो होम साइंस सिखाई जाती है मेरी नीस को, मैं तो गुरुकुल में पढ़ा, बचपन में मैं 10 साल की थी जब भेजा गया था, सारा ही काम बारी बारी से, रोटी बेलना, मतलब घर में तो हम पानी भी नहीं पीते थे तब तक उठा के, और अब सिर्फ इस सरदारों के स्कूल में रह गया, अपने कमरे में झाड़ू लगानी है, अपना बिस्तर, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भोजनालय में बारी लगती थी, एक दिन हम बेलेंगे, एक दिन सेकेंगे, yes. एक दिन बांटेंगे, और सब काम अपना खुद करने की बचपन से, बच्चे में बड़ी एनर्जी होती है, अब हम उसकी एनर्जी का यूज ही नहीं करते, तब जाकर के काम खराब हो रहे हैं। अब जो है ना सिर्फ ये, अभी मेरा ब्रदर खालसा में पढ़ा था, वो कहता आप पता नहीं कैसा लौट आने लगा, जब लंगर लगता है, क्या 10 गुरुओं का 10 लंगर होता है, प्रिंसिपल भी उसके अंदर जो है वो बांटते और करते हैं, माल रोड के ऊपर कॉलेज है सब, कहते हैं ऐसी ऐसी नई लड़कियां आने लगी हैं जिन्हें चावल बनाने नहीं आते, नहीं तो पंजाबीज में ये कल्चर नहीं होता, गुरु के लंगर में सारे काम करते हैं, टीचिंग भी, नॉन टीचिंग भी, बच्चे भी। तो अब कुछ हिस्सा रह गया, मेरी नीस स्कूल में पढ़ती, अब आता है आपको कल सिखाएंगे ये चॉप्ड अनियन घर से लाओ, तो चॉपिंग कौन करेगा, मेड, ये गलत है। इसलिए हर काम आधे का हमारा भारत का कल्चर कर्मशीलता का है, हमारी एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रहार ये हुआ कि हमारा जो 6-7 साल का बच्चा होता था वो क्या होता था, अपने आप पर निर्भर होता था, आत्मनिर्भर होता था बिल्कुल, इन्होंने उसको बिल्कुल पंगू बना दिया, 20-22 साल तक भी उसे कुछ नहीं होता, प्रोजेक्ट्स बाहर से बनवा के लाते हैं, या पेरेंट्स बनाते हैं, क्योंकि हमारे आर्य समाज में सिखाया जाता था सब काम करो, उसके बाद फिर सब हो गए, हाथ पैर धो लिए, कुछ भी अस्पृश्य नहीं रहा, एक लाइन पीछे ये होती थी, अब गायत्री का जप करो, चलो सब साफ हो गए, साफ हो गए, अब चलो सारा दिन पढ़ाई होगी, बड़ी एनर्जी होती थी, हर बच्चे कंपैरिजन में कमरा साफ करते थे, हमने ये चार्ट इधर से इधर लगाए, उधर से उधर लगाए, तुम्हारी बार में गंदी, टीचर आके कहेगी वंडरफुल, तो मार्क्स मिलेंगे ना आपको, तो चार्म होता है। अब हमने सब कुछ खत्म कर दिया, बच्चा आके कंप्लेंट करता है, मैंने केम इन द स्कूल, इट वॉज डस्ट, डस्ट ऑफ, टीचर आके भले हाथ से बिठा ले, वो नहीं बिठा अपने एंकी से। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुद्धिहीनता। ये छोटी छोटी चीजें जो एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए, जब वो एक बैग ही नहीं उठा सकता तो जिंदगी खाक उठाएगा अपने। ये हो गया हिस्सा, और उसके बाद शाम के टाइम हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र सबका निरीक्षण करें, भरोसा किसी पे नहीं करना, क्या पता बीच में से कोई कुछ ले गया हो, राउंड मारे देख, हम हंसा करते थे डॉक्टर हड्डी के टाइम में, वो कहते थे कि एक किसी चौकीदार ने सर्दियों के दिन में एक टहनी जला के हाथ सेकने शुरू हो गए, ही गेम अराउंड 12:30 इन द नाइट, डॉक्टर कैंपस में रहते थे, आके वो शोर शराबा मचाया, ये फेंका उधर पानी डाला, ये किया, तो अगले दिन लोगों ने बोला इसको तो पेड़ों की डालियां भी याद है कितनी है, समझ आया, अगर आप इतना रखते हो तब लोग डरेंगे, नहीं तो एक डाली तोड़ ली हाथ सेक लिए, क्यों भाई जमीन नहीं खराब हुई, वहां से घास नहीं खराब हुई, आप सोच रहे हो रात है हम तो ताप ले, सुबह वाला माली पागलों की तरह काम करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी चीजें पता होनी चाहिए, कैंटीन में कप कितने और चार कप नहीं दिख रहे, तो कहीं उन्होंने शराब तो नहीं डाल ली कहीं बीच में, वो कहाँ गए, उन्हीं चार के ऊपर रोए, वही चार निकलवाए, ये बड़ी शार्पनेस का काम है पॉलिटिक्स, जिसको लोगों ने बिल्कुल ही ले लिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट सेनापति के साथ लास्ट बट वन में युद्ध संधि इन सबसे रोज बात करें, ये जो कश्मीर प्रॉब्लम है सब कुछ है, डेली आप ब्रीफिंग ले, आज क्या होगा, डेली ब्रीफिंग होनी चाहिए, हम अपनी पॉलिसी को कैसे बदले, और लास्ट के अंदर संध्या उपासना अकेला बैठ के करें दिन के अंदर, क्योंकि बुद्धि आपकी उसी से स्थिर होती है, संध्या उपासना करें, और उसके बाद पहला दिन खत्म हो गया, अब रात का शुरू हो गया, पहला फिर हिस्सा, हमारे रात कहते हैं जब सूर्यास्त हो जाता है तो रात शुरू हो जाती है हमारे, और सूर्योदय से पहले तक रात रहती है, पहला हिस्सा गुप्तचरों से विचार विमर्श करें, किसने कहाँ क्या देखा, करणे जपा होता है ना ऐसे सुनने वाली बातें, वो सब पहले हिस्से में कर लें, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं वधु प्रवेशो न दिवा प्रशस्तः राजक प्रवेशो न ऋषि प्रशस्तः, वधु का जो आगमन होता है घर में दिन में अच्छा नहीं होता, और राजा के पास रात को जाना अच्छा नहीं होता,
लेकिन ज्ञानी आदमी दिन और रात में हमेशा इसका घर आना अच्छा होता है। मधु दिन में क्यों आए? कहते हैं तारों की छांव में ले आना चाहिए उसको, दिन में नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पर पहला हिस्सा गुप्तचर हम साथ विचार विमर्श करें, फिर थोड़े होने पर स्नान भोजन स्वाध्याय करें, उसके बाद तीसरे हिस्से में सुमधुर संगीत सुने। देखो कलाकारी भी होनी चाहिए, इतनी टैक्स में टैक्सिंग होते हाँ, उसके सुमधुर संगीत सुने तभी तो जानेगा कौन हमारे यहाँ सब कर रहा है, उसके बाद सो जाए। और फिर सोते हुए तीन पहर सिर्फ सोए, तीसरा चौथा और पांचवा और छठे में उठ जाए, यही कोई हो गया टाइम 3:30 के टाइम। 3:30 बजे उठ करके सोचे आज के दिन मुझे क्या क्या करना है, अगले दिन तब कोई और नहीं होता, आज के दिन जब मैं उठाऊं तो क्या क्या करना है आज के दिन में। अब तो लगा होता है प्रिंसिपल के सामने एक चिट लिखी होती है, जाके पी एस से पूछा मैडम मिलेंगे, चिट पढ़ के बताता है दी जाएंगी यूनिवर्सिटी। प्रिंसिपल आके उससे पूछता है आज मुझे कहाँ कहाँ जाना है बताना जरा, तो कहते हैं आपको कि राजा खुद क्यों याद रखता मुझे क्या कहाँ जाना है, अगले दिन का वो पूरा हिसाब करें ठीक और क्या क्या करना है। उसके बाद फिर मॉर्निंग आवर्स में गुप्तचरों की मंत्रणाएं, क्या क्या किससे पूछना है, क्योंकि सब चीज़ें किसी किसी के सामने पूछो तो पता लग जाता है कौन किससे मिलने आया है, ये काम सुबह करें। और लास्ट हिस्से के अंदर पुरोहित ब्राह्मण वैद्य ज्योतिषी रसोईया, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, इनसे बात करें। वैद्य पुरोहित ज्योतिषी आचार्य ऋत्विक वेदपाठी रसोईया, जो खाना खाएगा वही तो है सबसे इम्पोर्टेंट। ये जो है इसलिए राजा अपने को पूरी तरह पूरे दिन में इस तरह बिजी रहे, सिर्फ 3 पहर उसे सोना है, मैक्सिमम हो गए ये 5 घंटे, 5 घंटे की नींद बहुत होती है। राजा बनना आसान नहीं है, ये तो हो गए नित्य व्रत है ये, अगर ऐसा ना करे तो पाप है, पर नैमित्तिक भी है, कोई खास काम हो तो क्या करे, लंगर लगाए, भोजन कराए, यज्ञ कराए, अनुशासन करे, शत्रु और मित्रों के दो अगर गुण और दोष ज्यादा हो गए हो तो उन्हें इकट्ठा एड्रेस करे, जैसे स्कूल्स में क्या होता है कोई खास इशू हो जाए तो प्रिंसिपल एड्रेस दी असेंबली, कोई खास इशू हो जाए तो प्रिंसिपल स्पेशल असेंबली एड्रेस करता है, जैसे स्पेशल सेशन लगता है तो स्पेशल सेशन लगाए, ये नैमित्तिक व्रत है। जैसे प्लेग बहुत फैल गई तो पब्लिक को अवेयरनेस प्रोग्राम देना है तो उसमें वो खास तौर पर अपनी प्रेजेंस शो करे, हर टाइम ये लगना चाहिए कि हमारी प्रजा अनाथ नहीं है, अब हम सब अनाथ ही कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो हम सोचते कौन पूछने वाला है, सीधी लाइन है छोटे बच्चे से पूछ लो ये हो रहा है अरे कौन पूछने वाला है, कुछ ये नहीं होना चाहिए। तब इसको बोलते हैं नैमित्तिक व्रत, क्योंकि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यदि प्रजा दुखी है तो राजा भी दुखी हो जाता है, और उसका धर्म अर्थ काम ये सारी चीजें प्रजा के सुख के साथ ही जुड़ती हैं, उसका अपना कुछ नहीं, क्योंकि ये है पब्लिक सेलिब्रिटी। पब्लिक सेलिब्रिटी जो होती है उनका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ पब्लिक ही होती है। इसलिए देखो जब इंदिरा गांधी को असैसिनेशन हुआ तो राजीव गांधी बैठा है, राजीव गांधी कोई आंसू नहीं बहा रहा था, वो राष्ट्र को संदेश दे, अपनी माँ के लिए क्यों रो रहे हो, सारी दुनिया की माएं आपकी, ये जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप मुश्किल हो। आप देखो जैसे ऐश्वर्या राय जैसी बेबी डिलीवर किया उसके बाद उसकी फोटो देखो, लोग उठ नहीं सकते, वो क्या पोज दे रही है, पब्लिक सेलिब्रिटी है, आसान नहीं है ये सारे दिन चेहरे को ऐसे रखना, नॉट ईजी, कभी हमारे दिल का आराम से बैठो ना अपना, ये रिक्वायरमेंट ऑफ दी आपकी जो पोस्ट है उसके रिक्वायरमेंट्स आप है। ये सब होने के बाद एक छोटा हिस्सा है निशांत प्राणी भी, राजा रहे किस में, राजा राजभवन में रहे कैसे, निशांत प्राणी भी, राजभवन को बनाना और उसमें रहना, जहां पर वो रहे सबसे पहले है राजभवन का निर्माण, ये राजा का पहला कर्तव्य है कि कैसा राजभवन बने जिसमें वो रहे। सबसे पहले इसमें वास्तु विद्या के विशिष्ट विद्वानों को बुलाए, ऐसे मत बनाए,
दिशाओं का पूरा ध्यान रखे, ठीक है, कौन से रंग का बनेगा, उसके ऊपर कौन सा रंग होगा, क्या कुछ होगा, एक एक चीज वास्तु विद्या के हिसाब से करे। पर क्यों मैम, क्यों उसका इफेक्ट है, कलर का क्या इफेक्ट होगा, कि वॉल का ये कलर है या नहीं, तो क्या क्या इफेक्ट, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सारा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अनिल जीत हैं जो मैक्स इन मैक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, फाउंडर, जब हॉस्पिटल बनते हैं नन्हे वाले, तो पेशेंट की सीट पर बैठ के देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी क्या व्यू दिख रहा है और कौन सी पेंटिंग कहाँ पे लगानी है। Yes. इसी इन द सीट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट कहाँ बैठेगा और उसको क्या व्यू दिखना चाहिए, कौन सी पेंटिंग लगनी चाहिए। No, my question is, कि अगर इस वॉल पे कोई रेड कलर लगा है, so what will it, how will it red color, color signifies something, green color yes, signifies something else, of course, a painting will signify something else, emotions, what sense is colors emotions generate feelings। हाँ, अभी वो ज्यादा बहुत छोटी है ना, अभी इलेवन प्लेयर, इसलिए उसका विजन डिफरेंट है, हम लोग बहुत ज्यादा इसलिए कर चुके हैं ना, इसलिए बताए, इसलिए वास्तु विद्या का जो है, विद्वानों को बुला करके पहले आप डिसीजन करो कि किस टाइप का घर बनेगा, किस टाइप की बिल्डिंग होगी, कौन सी चीज कहाँ बनेगी, और फिर इंजीनियर के साथ मिलकर, वास्तु विद्या और इंजीनियर मिलकर के उस घर का निर्माण करेगा, पहला हिस्सा। Like I'll give you a simple example. Yesterday I went to IIM Rohtak to drop my daughter there. She is studying there now. Their architect is, their design is beautiful, but the construction quality is extremely poor. Okay. So one is someone, maybe the director has never visited the hostel or not seen it properly. Okay. If you strike somewhere, the Reta starts coming from the mud. Yeah, as we discuss in our college, हमारा इतना नाम का college है. The ceilings, कोई टेढ़ी है, कोई मेढ़ी है, कोई ऊपर से दिख रहा है. Okay. The acoustics in the seminar hall, they put in enough money, but they put cemented. It's called something called false ceiling. This is it's a false ceiling, but they put made it of cement. It doesn't absorb sound. So in a seminar, you need to have good acoustics. They put in all the money, but it's the seminar will not serve, hall will not serve its purpose. Okay, all the money has gone into it. Audi नहीं, हमारे कॉलेज में क्या है, कहते हैं अंसल ने बिल्डिंग बनाई थी, जैसे जैसे हम स्टेयर चढ़ते हैं, हर स्टेयर के सामने टॉयलेट है, जब हम सांस चढ़ता ऊपर, और अगर वो एक दिन साफ ना हो तो ऐसे ऐसे चढ़ते हैं पूरे। ये किसने डिजाइन किया, कुछ तो उन्होंने बदल के इधर उधर कर दिए, पर ये कौन सा डिजाइन हुआ, तो वो सीधे चढ़ो सबसे आपने टॉयलेट। स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन डबल बंक टू स्लीप बिकॉज़ ऑल द हॉस्टल्स आर नॉट रेडी, बट द टॉप बंक, इफ ए स्टूडेंट रेजेस द हैंड कैन गेट कट विद द फैन। I'm going to write an email to the director today. The student's neck can get cut. Double bunk hai, upar ceiling fan hai. And it's a small room. हमारे कॉलेज में 6 कमरे ऐसे हैं जहाँ हम पढ़ाते हैं तो हमें ही आवाज अपनी सुनती है, पीछे जाती है। I have no idea. I'm going to write an email to the director today. These are commission based. तो उनका हॉस्टल पूरा नहीं हुआ, but double bunk में student's neck can get cut. सर ने तो बोल दिया। इसलिए अब जब ये तो अभी ये डॉक्यूमेंट आई एम रोहतक, इसलिए जो सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो सर ने बोला है ना, विकास सर ने बोला वो भी ठीक है। कल मैं अपनी बेटी को छोड़ने गया और उसका हॉस्टल में डबल बंक है, नीचे और ऊपर लड़की बच्चे दो सोएंगे कमरे में। मैं आई सॉ इट, आई कि ऊपर अगर वो गलती से रात को खड़ी हो जाए तो नेक कट जाएगा, सीलिंग फैन से। आप जितने भी और वॉल में हल्का सा चोट लगे टूट जाती है हॉस्टल से और उसमें फिर रहता निकलता है सर आगे पढ़ाई करते हैं नहीं नहीं अभी बच्चे को छोड़ा है ना बड़ा केयर रखना पड़ता है और घर हो गया तो आप यहाँ पर नो सिक्योरिटी देयर वर्कर्स ऑल ओवर द प्लेस कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन विल गो फॉर 1 ईयर आई डिडंट सी एनी सिक्योरिटी एक्सेप्ट फॉर दैट चपरासी टाइप सिक्योरिटी गार्ड्स ओके एंड देयर अबाउट 100 गर्ल्स हु आर देयर इन द कैंपस देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर वेरी गुड So that's what happens when Raja or head of the institution. Yeah, I'm going to write to the director and minister today. I have to write to the minister. अब यहाँ पर क्या है कि ये निशांत प्रणिधि में वो कहता है वास्तु विद्या के जानकार से शुरुआत करें। हमारे यहाँ कई तरीके के वास्तु हैं,
सर्वतो भद्र नांदी मोखन सो मेनी वास्तुज आर देयर आउट ऑफ ऑल ऑफ देम राजा मैक्सिमम सर्वतो भद्र वास्तु का प्रयोग करे सर्वतः चारों ओर से भद्र कल्याणकारी ऑल प्रॉस्परस आर्किटेक्चर। इसका मेन कंस्ट्रक्शन ये होता है कि जैसे ये इतना प्लॉट है इसमें यहाँ मकान बनेगा इधर भी बैल्कनी इधर भी बैल्कनी इधर भी बैल्कनी इधर भी बैल्कनी। एक पुराने जमाने में ऐसे हो रहा था आप जो जाओ गीता भवन मिरला मंदिर में तो ऐसे बाहर चलने की जगह होती है दलान टाइप। तो राजा को हमेशा उसमें रहना चाहिए जहाँ चारों दिशाओं से जो आपकी मैग्नेटिक फोर्सेस है वो एंटर कर सके। ये तो मैंने छोटे उसमें दिया तो जितने भी बनाए वो सर्वतो भद्र वास्तु का कॉन्सेप्ट हो चारों तरफ के एंगल जो है ना उसके खुले हर तरफ से एयर आ सके इस तरीके की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। कल्याण सब तरफ से कल्याण होने वाला इसको सर्वतो भद्र वास्तु कहते हैं। इसके अंदर पहले एक बीच में ये बना रहता है इसके आसपास ये दलान रहते हैं बने हुए इसके आसपास ये दरवाजा ये दरवाजा ये दरवाजा ये दरवाजा ये हिस्सा बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है उसके बाद। हाँ जी चुबारा कहते हैं। तो ये जो है सर्वतो भद्र वास्तु के अंदर मेनली उसको जो है प्रयोग करना चाहिए। और घर को बनाते हुए खास ख्याल रखें घर के अंदर खाइयां भी हो मोहन गृह की तरह राजभवन बनना चाहिए। मोहन गृह कहते हैं भूल भुलैया को। इसीलिए जहां पानी था वहां सूखा था जहां सूखा था वहां पानी था इतना बड़ा महाभारत हो गया। राजा का घर हमेशा मोहन गृह होना चाहिए मोहन का अर्थ भूल भुलैया होनी चाहिए ताकि कोई अगर अंदर एक बार आ जाए तो सोचो मैं किधर से बाहर जाऊं। अगर उसे एकाएक याद आ गया तो आपका खाक बना हुआ घर है। उसके अंदर ड्योढ़ियां होनी चाहिए खाइयां होनी चाहिए तालाब होने चाहिए और जो पिलर होते हैं वो बीच में से खाली होने चाहिए आधे खाली हो आधे भरे हो और पिलर्स के अंदर भी एक दूसरी दुनिया होनी चाहिए अंदर सीढ़ी चढ़ने की बाहर से पता ही नहीं लगे कि अंदर भी सीढ़ी है। इसमें जितना ज्यादा छुपने की जगह नीचे जाने की जगह भागने की सुविधा जहां पर हो एक एक फंस जाए तो भाग जाए राजा उसको कहते हैं राजा का घर। किसी को समझ ना आए बड़ा ही मिस्टीरियस टाइप का उसका कंस्ट्रक्शन हो और उसके अंदर हरफेर होता रहे दैट इज कॉल्ड द राजभवन। ठीक है इसलिए राजभवन उसको बनाने के लिए रखा जाए। और अग्नि सांप बिच्छू ये सारी की सारी चीजें इन सब से बचकर रहे इसलिए पहले जमीन को चेक किया जाता है सांपों वाली जमीन है जेएनयू में सांप बहुत आते हैं सांपों वाली जमीन है किसी किसी जगह में बिच्छू बहुत आते हैं आईपी कॉलेज में ना मोटे मोटे चींटे बहुत आते हैं जिस जगह पे चींटे बहुत आते हैं वो जमीन जल्दी खोखली हो जाती है। जहाँ बिच्छू बहुत आते हो वहां मैं ये जगह पहचान ही बताई वो मिट्टी परीक्षण हाँ इससे आपकी सॉइल टेस्टिंग होती है तो कहता वो देखे खतरा ना हो कि लोग कहीं या तो सांप बहुत ही रहते हैं अगर काट गया राजा को तो काट गया किसी की जिम्मेदारी नहीं जिम्मेदारी हर चीज की फिक्स होनी चाहिए। इसे राजभवन एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर वो रहे। आप राजभवन के बाद और भी इसमें ढेर सारी उसने चीजें दी मुख्य मुख्य चीजें गिन दी क्योंकि आज हम अगले टाउन की तरफ बढ़ेंगे गांवों की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट है आत्मरक्षितम राजा अपनी रक्षा सबसे पहले खुद करे। अब एक चीज आया है कि अब आत्मरक्षितम अपनी रक्षा स्वयं करे। क्यों अपनी रक्षा स्वयं करे चाहे कितनी भी चीजें लगा दी जाए लेकिन यदि व्यक्ति अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता और यहां तक क्यों कहता जो महल में आए और महल से बाहर निकले उन सबका भी क्या होना चाहिए हिसाब किताब लिखा होना चाहिए। जैसे कि एम्स में जाए ना पहले एक गेट से वो आपको एक टोकन देता है अगले गेट से टोकन लेता है कौन सी गाड़ी गई कौन सा टोकन लिख लेता है गाड़ी नंबर ये टोकन नंबर ये गाड़ी निकल गई वो भी लिख लेता है टोकन नंबर ये गाड़ी नंबर ये गाड़ी निकल गई थी। इस तरह हर एक गाड़ी का इंतजाम वो लिखता रहता है कौन गई कौन आई तो ये एक एक चीज रजिस्टर में नोटेड होनी चाहिए राजा को जो भी मिलते हैं। बिसाइड्स दिस ऑल दोस थिंग्स आजकल हम रखते हैं वीआईपी सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी फलानी सिक्योरिटी
कहता कितनी भी सिक्योरिटी कर लो, पहले अपनी सिक्योरिटी राजा खुद करे, अपनी नहीं कर सकता तो बाकियों की क्या करेगा। अब पहली सिक्योरिटी का पॉइंट ये हो गया, जो भी आपके पास आ जा रहा है पूरे शक में रहे। जब रानी तक शक में, पहला हिस्सा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि आप ना ऐसा ना हो, इसके अंदर बहुत सारे पेज नंबर 65 के बाद रात भवन के अंदर ऐसा लिखा है कि जैसे लिखता हूँ, मनुष्य की हड्डी में बांस के रगड़ने से उत्पन्न अग्नि का स्पर्श, अथर्वेद के मंत्रोच्चारण के साथ तीन परिक्रमा करते हुए जब अंतापुर बनाओ तो आग भी लगती, कैसा। अभी मैंने वो मंत्र ना ढूंढे नहीं थे, बड़ी एंग्जाइटी हुई कि ऐसे कौन से मंत्र है फिर आग नहीं लगती। और बिजली के तो ये टेस्टेड है, बिजली के गिरने से जो पेड़ राख हो गया उतनी ही मिट्टी मिलाओ और उसे धतूरे के पानी में गोद लो तो फिर दोबारा आग उसमें नहीं लगती। ये मेरी माँ कहती है, होता है गाँव में, वो जब आजकल बिजली गिरती है ना पेड़ को जला देती है फिर उसकी राख बन जाती है, उतनी मिट्टी मिलाए और उसमें धतूरे के पानी, धतूरा वो देखा होगा, इस बच्चे ने देखा होगा, उसके पानी में गोथे फिर दोबारा नहीं आग उसे लगती। ऐसे इसमें बेशुमार तरीके दिए हुए किस तरह भवन को आग ना लगे, किस तरह वहां पर सांप ना घुसे, किस तरह वहां पर जो है बिच्छू नेवले इत्यादि न रहे, और जिस जगह के ऊपर नेवले ज्यादा रहते हो वहां रहे क्योंकि वहां सांप को जीने नहीं देते, मोर हो वहां रहे वहां भी सांप जीवित नहीं रहता, ये नेचुरल शत्रुताएं हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ढेर सारी उसने लिखी हुई। इसी तरह आगे जाकर के आत्मरक्षा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जहर। जिस रस का प्रयोग हम बाहर कर रहे हैं, रसज्ञ गुप्तचर कर रहे हैं, वो राजा के साथ भी तो हो सकता है, इसलिए रसोईया बड़ा सोच समझ के रखा जाता है। इसलिए वो पहला ही तो कहता है कि वंश परंपरा से तुम्हारा रसोईया चला आ रहा है उसी के लड़के को और उसी को उसको बनाते, क्योंकि वो टेस्टेड है, सालों से तुम्हारे राजभवन में रह रहा है, तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स भी जानता है। तो रसोईये को बाहर से आमंत्रित न किया जाए, जो बना हुआ है उसी को ले लिया जाए, पहला तो एस्पेक्ट ये। फिर भी विश्वास न करें, क्योंकि सबसे आसान मेथड है खाने में कुछ मिला करके दे। आजकल हम उसकी फोरेंसिक जांच कराते हैं, कैसे मरा, फिर उसके बाद में पोस्टमार्टम, फिर बिसराए तो बात की बात है। कहते हैं यदि विष मिश्रित होगा तो दाल जल्दी सूख जाएगी, जो उसकी भाप निकलेगी उसमें थोड़ा सा रंग, इसलिए राजा गर्म ही खाना खाए, उसका थोड़ा सा रंग जैसे कि मोर की गर्दन होती है वैसा होगा। ऐसे उसने बड़ी सारी निशानियां इसमें बताई, आपकी दाल बनी थोड़ी देर रखी रहने दो, और फिर भी जब रसोईया खाना सब परोसते तो पहले रसोईये को ही थोड़ा खाना खिला दे। अब कौन सा खाना बीच में से खिलाएगा ये रसोईये को पता नहीं होना चाहिए, तब आपको खाना ठीक मिलेगा। फिर भी वैद्य उसकी चर्चा करें, और जहां खाना खाने बैठे वहां तोता मैना आसपास होने चाहिए, तोता मैना उसके आसपास होने चाहिए। जैसे ही जहरीला खाना होता है तोता मैना अलग तरीके से बोलने लगते हैं, उनको पहले पता लग जाता है, स्मेल हो जाता है। हाँ, उनको पहले पता लग जाता है, उनकी आवाज बदल जाती है, उनकी आवाज बदल जाने से उस खाने को छोड़ दें। इस तरह से बहुत सारे मेथड बताए हैं कि खाना जो उसने खाना है, जो पानी पीना है वो भी टेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि सबसे आसान मेथड है खाने में मिला करके दे देना। और स्वामी दयानंद ऐसे चले गए, कांच मिला करके दे दिया, इससे उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह वो यहाँ पर लिखता है कि यदि जो है इवन जो कहता है इवन शराब भी अगर पीनी हो वो काले रंग की होगी, ऐसे बहुत सारी उसने चीजें लिखी हुई है। विष मिश्रित पानी ऐसा होगा उसके अंदर दरारें पड़ जाएंगी, उसकी भाप ऐसी आएगी, भाप से, देखने से, छूने से, स्किन से, जानवरों से, पेड़ पौधों से, हर तरीके से विष मिश्रित खाने की पहले टेस्टिंग करें, उसके बाद खाएं, ठीक है। कोई देखते हैं ना कुंदनलाल सहगल है, कहते ना उसकी आवाज पहले कितनी नरम थी, कि एक ये भी वर्षन है कि किसी ने उसे कच्ची हल्दी खिला दी थी, कच्ची हल्दी, उसके बाद उसकी गला बैठा बैठा हो गया, फिर उसने वो वाले गाने तो गाए नहीं, दूसरे टाइप के गाने, क्योंकि जहां भी ग्लैमर होगा वहां लोग आएंगे, और ग्लैमर में सात्विक आदमी इतना नहीं बहता जितना तामसिक और राजसिक, वो उस कुर्सी को बाय हुक एंड क्रुक ले लेना चाहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती चाहे दूसरा मृत्यु के घाट भी क्यों ना चला जाए, वो उसको ग्रैब करता है। इसलिए जो हम देखने में लगता है अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय
परंतु कितना सदके रहते हैं ओनली वी नो। गोरी थी जिसने सारी उम्र फिर उसी का काम किया, वो मिस्टर जो ललिता पवार, ललिता पवार है ना जिसकी एक आंख छोटी है, ललिता पवार, उसको वो कहते सुंदर बहुत थी, ऐसे मारा था किसी, हीरोइन, हाँ ऐसे मारा था तो उसकी आंख में लगी थी, तब से उसकी वो पूरी आंख नहीं खुलती, फिर उसको हमेशा ये रोल मिलने लगा, हीरोइन का रोल ही नहीं मिले। तो ये आसान नहीं है, ग्लैमर में आना आसान है, चलाना बहुत मुश्किल, क्योंकि इसलिए राजा को आत्मरक्षा का सबसे पहले अपनी रक्षा का उपाय जो है करना चाहिए। इन टुडेज टाइम कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कंपनी के दो या तीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, दे डोंट ट्रैवल टुगेदर इन द सेम फ्लाइट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, द फ्लाइट क्रैशेस, ऑल थ्री डाई, कंपनी गोज टू डाउन, कहा है हमारे शास्त्र, अलग अलग ट्रैवल करते हैं, शास्त्र में कहा है कि परिवार के सब, इवन इफ दे आर गोइंग टू द सेम लोकेशन दे ट्रैवल बाय डिफरेंट फ्लाइट्स। आप ये कहते हैं इवन नाव के अंदर भी विश्वस्त के साथ बैठे, नाव में भी बैठना हो ना पानी में तो भी विश्वस्त के साथ बैठे, ऐसा ना हो कि वो कहीं बड़ा तूफान आ गया तो आप, हर एक स्टेप राजा सोच के रखे किसके साथ कैसे क्यों कब किस लिए अब चले, ऐसे न चले। तो मैं मतलब राजा का अगर कोई डाउनफॉल हो तो इट इज हिज फॉल्ट ओनली, अगर कोई राजा किसी चीज में, अगर किसी खाने में जहर मिल गया फिर तो इट इज ओनली हिज फॉल्ट। हाँ First, you should be smart. आत्मरक्षिता। राजा ये अब जो है next तुम्हारी जैसी generation इसको अभी मुश्किल से सोच पाती है, हम लोग तो काफी घिसघिस आ गए पुराने उधर। लेकिन पॉइंट ये है ना, हमने जो आजकल कैटर कर रहे हैं स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे को, वो बड़ा ही बड़ा ग्रीन है। अब जैसे ये नए नए हैं उनको बात पता है ग्रीनरी है कहाँ आगे, हम कितना फेस करते हैं एक छोटे, उसके लिए जो कुछ सिखाया जा रहा है वो अगली लाइफ में कहीं काम नहीं, कोर्स बस यही बदलते हैं कि अगर यहाँ पर ये थ्योरम लगाई तो ये लगा दो, ये लगा दी, ये लगा दो, बस इतना ही कोर्स में चेंज होता है। लेकिन हम उसको तैयार कैसे कर रहे हैं बच्चे को कि वो तो कोई भी चीज़ फेस नहीं कर सकता, ग्यारहवीं के पेपर के अंदर तो वो पंखे से लटक जाता है, ग्यारहवीं के पेपर तो वो दे नहीं पाता, फिर आगे क्या करेगा। इस बार जस्ट वन स्टैटिस्टिक्स, मे बी यू वुड हैव रेड, यूपी बोर्ड में 66 लाख स्टूडेंट्स हैड रजिस्टर्ड फॉर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स, 66 लाख, इट्स द बिगेस्ट बोर्ड, सीबीएसई इज अ मच स्मॉलर बोर्ड, आउट ऑफ विच 11 लाख डिड नॉट अपीयर फॉर एग्जाम बिकॉज स्ट्रिक्टनेस कर दी थी चीटिंग कंट्रोल करने के लिए, 11 लाख आउट ऑफ 66 लाख डिड अपीयर फॉर एग्जाम, 11 लाख स्टूडेंट्स इन वन स्टेट ऑफ 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, यस, जो इतना शार्प नहीं है उसके लिए तो फिर जनता त्राही त्राही करती है, क्योंकि जनता के अंदर तो शार्प लोग होते हैं पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि एक गंदा राजा अगले 20 गंदी पोस्ट मिलता है और वो 20 गंदे अगला गंद फैलाते हैं, इससे कूड़ा हमेशा ऊपर से आता है नीचे से नहीं जाता। आप स्कूल के एजुकेशन बदलने से देश ठीक नहीं होगा, मंत्री ठीक होने से देश ठीक। अब ये लाइफ कोट, इसलिए स्कूल के एजुकेशन बदलने से हमारा देश ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। पार्लियामेंट में सब ठीक लोग आएंगे तो देश ठीक होगा, स्कूल में बच्चे बेचारे में क्या होगा जो कुछ खराब करते, उसको तो जो पढ़ाया जाता है जो होमवर्क चेक होता है वो कर लेता है, उससे चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें डबल प्रेशर है। स्कूल में कुछ सीख के जाते हैं एथिक्स एंड मॉरलिटी, आगे कहीं वो काम ही नहीं आती। बच्चा किस में जी रहा है कन्फ्यूजन में, ये ठीक था ये मैडम ने कहा था वो ठीक था, वो तो और ज़्यादा परेशान हो गया, कोई कोई तो उस पर मॉक बन जाता है, कहता छोड़ो जी दुनिया में क्या रखा, ठीक बता रही हूँ, हमारे एक प्रोफेसर है उनका एमटेक लड़का ने वो इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, आईआईटी दिल्ली में पढ़ता था, बहुत परेशान हुए, एम्स के प्रोफेसर है और वो मुझे कहता है देयर इज नथिंग इन लाइफ, इट्स टोटल एम्प्टीनेस। अब तो बैठते हैं, अब तो खैर उन्होंने भी रिटायर होकर उसके साथ काम करना शुरू कर दिया, बट एमटेक है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सब छोड़ के मुझे इस्कॉन ज्वाइन कर, आईआईटी में से ऐसे बेशुमार बच्चे निकलते हैं हर साल आजकल, क्योंकि जो वो पढ़ते हैं वो लाइफ उससे एंटायरली डिफरेंट है। जब आप जाते हो ना वर्किंग प्लेस को, हम सोचते हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आगे जाके बैठना पड़ता है कि स्टाफ रूम में बैठे आधे कैसे,
जिनका दूर दूर तक कोई एकेडमिक नाता ही नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल ही नाता है, वो क्या करेंगे, कोर्स कौन सा बनाएंगे? उन्हीं के बीच हम लोग जो है ना वो घिरते रहते हैं। ये हो गया विनयाधिकारिक, राजा इतना स्मार्ट होना चाहिए। आप राजा बन गया, सबसे पहली चीज जो उसे मिलती है वो एक सीमाएं मिलती है उसे, कि आप राजा हो भारत के तो कश्मीर से कन्याकुमारी आपका है, ठीक है। सबसे पहले उसे लैंड मिलता है, सरकार के गिरने का, सरकार के ऊपर चढ़ने का, सरकार के अच्छे कामों का सबसे अधिक जो दायित्व तो है वो लैंड के ऊपर डिपेंड करता है, आप उस लैंड को कैसे यूज करते हैं। इसलिए भूमि सबसे इम्पोर्टेंट है, जमीन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए सेकंड अधिकरण के अंदर अध्यक्ष प्राचार उसने लिया। अध्यक्ष का अर्थ है कहाँ कहाँ आपको अधीक्षण देखना है और कहाँ कहाँ आपको लोगों को डिप्यूट करना है। अध्यक्ष इस सेकंड चैप्टर के अंदर वो पूरी तरह आपका व्यापार, आपके काम, आपका लैंड, अर्थशास्त्र से कनेक्टेड चीजें बताएगा। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि किस किस को जो है पाप वो होगा, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन पर चला है। ये दो चैप्टर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके ऊपर लैंड की चर्चा करेंगे। इसके अंदर जनपद, ग्राम, नगर, इन सबका वर्णन है। सबसे छोटी इकाई जो हमारे भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई वो थी जनपद। जनपद के अंदर यहाँ पर आप दो तरीके का होगा, जन का अर्थ है कॉमन मैन, पद का अर्थ है रहने का स्थान। आप कॉमन मैन कहाँ रहे, दो तरीके से वो रह सकता है, एक ग्राम में और एक नगर में। चाणक्य के अनुसार जो आत्मा होती है किसी भी नेशन की वो गांव में रहती है। नगर के अंदर हम व्यापार इत्यादि करते हैं, लेकिन जो किसी की सोल है, किसी राष्ट्र की सोल का नियामक गांव है। गांव के अंदर, ग्राम के अंदर समूह रूप में कुछ लोग रहते हैं और उनका आपस में भाईचारा होता है। आदि तुम देखो, अब जो हम कॉलेज में होते हैं ना, जब बिहार के बच्चे होते हैं, तुम में से कोई हो तो सॉरी माफ करना, उनसे कोई बात करो, हाँ वो हमारे चाचा जी के फलाने उसका लड़का था। बाद में पूछो तो वो पड़ोस की गली के अंदर कोई रहता है उसका लड़का निकला। तो तुम्हारे चाचा जी कैसे होते, गाँव में ऐसे ही होता है, जो पड़ोस की गली में रहता है वो चाचा ही पाऊ ही होता है। इसी तरह चलता है, ठीक है। मेरी माँ भी कहती है कि जब जाया करते थे उस गांव में जाना है, वहां हमारे गांव की एक लड़की की शादी हुई है, हाथ में कुछ ले जाना, ऐसे मत जाना, क्योंकि रिश्तेदारी बड़ी घनिष्ठ होती है गाँव में, एकदम वेल्लिट सोसाइटी होती है। इसलिए किसी भी राष्ट्र का अगर कल्चर देखना हो, सोल देखनी हो, तो गाँव में जाओ, तो आपको उस राष्ट्र की सुंदरता वहां समझ में आती है। इसलिए कहता सबसे पहले फोकस आप जनपद के अंदर गाँव का करो। गांव के अंदर क्या है, यहाँ पर राजा को चाहिए कि गांव को बनाए और अपना तो जितने हैं बाकी लोगों को भी लुभा करके अपने देश में लाके उनके भी गांव बसा दे, पॉपुलर हो। जैसे शीला जी कहती थी, देखो दिल्ली में लेके इतनी पॉपुलर कर दी कि जो लोग यहाँ आते हैं जाने ही नहीं चाहते, इसलिए दिल्ली के अंदर बहुत पॉपुलेशन हो रही है। तो पहले ऐसे कोलकाता होता था, फिर एकाएक राजधानी बदल गई, अब दिल्ली ऐसे हो गई, फिर बदल जानी चाहिए ताकि यार रहने लायक जगह नहीं बची तो किसी और चली जाए। तो गांव के अंदर कहता है राजा इतने लुभावने प्रयोग करे कि अपनी आबादी तो खुश हो, पड़ोस के लोग भी तरसे कि हम भी यहाँ रहते हैं इसमें। इसलिए राजा की ये जो है महानता है। आप इसमें एक जनपद में कम से कम 100 घर हो और ज्यादा से ज्यादा 500 घर हो उसको एक गाँव, कम से कम 100 घर वाला और ज्यादा से ज्यादा 500 घर वाला, ठीक है। ये सब वेल्लिट बने हुए घर, और उस दो, एक जनपद दो जनपद उसके बीच एक कोस और दो कोस का फासला हो, क्योंकि यदि कोई मुसीबत आ जाए तो पहले वाले लोग दूसरे की मदद कर सके, दूसरे वाले पहले के कर सके, इतनी दूरी ना हो कि वो पहुंचा ही ना जाए। इसे दो कोस के ऊपर दूसरा गाँव बसा दे। और फिर उसके बाद भी अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, कहता जब गांव बसाए तो ध्यान रखे उस गांव में मोर देन 50%, कभी कभी 60-70% शूद्र और किसानों के घर हो, बाकी कम हो। यहाँ शूद्र का अर्थ जातिवाचक ना होकर के सेवा भाव कर जो है ना वो सर्विस क्लास के लोग और कृषक वो हो, बाकी थोड़े से दूसरे, तब आपकी इकोनॉमी सेट हो। यदि सारे, अब क्या होता है जितने ये बने बने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं,
वो जो बने हैं हमारे नोएडा साइड में, वो सारे वीआईपी बन गए पार्टी। अब उनके घर में काम करने वाले कहाँ आते हैं? वो अनऑथोराइज्ड, जैसे हमारे यहाँ श्रीराम कॉलोनी बनी हुई है, वो अनऑथोराइज्ड पीछे बने हुए हैं। अब अनऑथोराइज जो बने हुए वो भी रहेंगे, उनके भी बाल बच्चे सब होंगे, सीवर की कोई सिचुएशन। इसलिए हर एक विशेष कॉलोनी जो हमारे देश में बनी हुई है दिल्ली में, उसके पास एक स्लम भी है। स्लम का कॉज क्या है कि वो अपना काम तो खुद करते नहीं, बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले, वो आश्रित है उनके ऊपर, वो नहीं आते तो उनका घर नहीं चलता। और वो कहाँ रहेंगे? वो वहीं रहेंगे, कुछ देर काम करेंगे। इसलिए अभी कौन सा अपार्टमेंट्स में हो रहा था, रोज रोज चोरी हो रही थी, तो अपार्टमेंट ने फाइनल किया जो बांग्लादेशी है इनको ना आने दो काम करने के लिए। फिर अपार्टमेंट ने उनके पास बना दिए, फिर अपार्टमेंट्स ने कुछ और कर दिया। आप सेकंड रेट चीज़ ढूंढ रहे हैं, वैसे ही क्यों नहीं करते कि गाँव ही ऐसे बसा हो कि कुछ लोग ऐसा काम करें बाकी कृषक का काम करें। इसलिए कह सकता इकोनॉमी जो है आपकी अच्छी चलेगी, किसानों के घर वहाँ पर ज़्यादा। और सीमा का निर्धारण कैसे हो, पहाड़ तक, नदी तक, तालाब तक, नहर तक। इसलिए नेहरू नहर के पार रहने वाले लोग। ये कास्ट नहीं है कोई, नेहरू कास्ट कोई नहीं, नहर के पास रहने वाले नेहरू। आप नहीं कहते पहाड़ी लोग हैं, कहाँ पहाड़ी है, अभी भी प्रयोग करते हैं इसका, वो पहाड़ी है। पहाड़ी क्या हुए, वो कहीं के होंगे ना, उत्तरांचल के होंगे, यहाँ के होंगे, वहाँ के होंगे, नहीं वो पहाड़ी है, पहाड़। ये जो सारस्वत ब्राह्मीण है, जैसे मैं हूँ, कान्यकुब्ज हैं, सरयू पारायण है, ये सब नदियों के नाम से कोई तो स्पेशलिटी नहीं है। सरस्वती नदी के किनारे हम रहते थे, हमारे पूर्वज रहते होंगे, सारस्वत हो गए। जो सरयू के पास रहते थे सरयू पारायण हो गए, जो कानपुर में रहते हैं कान्यकुब्ज हो गए। तो ये सब प्लेसेस से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है। साउथ के अंदर अब ये हिस्सा बचा है सिर्फ कि वो लिखते हैं अपने गांव का नाम पहले लिखते हैं। ये जो सचिन तेंदुलकर, करमरकर, ये सब भी गांव के नाम है। जो ये जो है महाराष्ट्र में भी ऐसे है, ये कहते हैं हमारी पहचान है। शकील बदायूनी, बदायूं गांव है। साहिल लुधियानवी, लुधियानवी लुधियाना है। तो आप कहाँ के हैं इसे लिखा रहता है, क्योंकि वो बड़े फख्र से चलते हैं कि हम यहाँ के हैं। आज हमें छपाना क्यों पड़ता है, अगर आप अच्छे से हैं तो पीछे लिख के चलते हैं। शकील बदायूं, कमाल अमरोही, ये सब गाँव के नाम, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहता है क्योंकि ना उनको ना बड़ी बिलोंगिंग होती है कि आपके गांव में, बोलते हैं इस गांव में सिर्फ दो ही लड़कों ने दसवीं पास की थी, बड़ी बात हो गई ना, इस गाँव के लड़के दसवीं पास है। उसके बाद आगे बढ़ गए, इस गाँव से लड़के प्रोफेसर बन गए। इस गांव के तो आधी दुनिया कनाडा जाकर के प्रोफेसर हो चुकी है। हरियाणा में अभी होता है कि इस गांव से कितने अफसर बने आर्मी। हाँ, तो ये सेंसस धीरे धीरे होना चाहिए, गांव किधर को जा रहा है, गणना होनी चाहिए कि कहां पर इसकी गणना, किधर को लोग निकल रहे हैं, कितने सिपाही बने, कितने अफसर बने। और यदि ऐसा कोई चीज ना हो तो एक गाँव की सीमा के निर्धारण के लिए बद्री के पेड़, मतलब पेड़ के पेड़, सेवल के पेड़, वट वृक्ष, सरशालवली, इन पेड़ों का प्रयोग करें। अब तुम देखो 400-100 घरों के आसपास कितने पेड़ होंगे, और अब ये हाय हाय मची हुई है सरोदी नगर में पेड़ ना काटो। तो गांव के लोगों का अपना एक झुरमुट होगा, आसपास पेड़ होंगे, ये हमारा घर है। तो आप एक वेल लिट उसके अंदर रहेंगे। और परस्पर बिलोंगिंग के लिए, कि एक गाँव दूसरे से अलग नहीं है, दुश्मन नहीं है, बिलोंगिंगनेस के लिए बीच बीच में चीजें बनाएं। जैसे कहता है 10 गांवों के समूह का एक संग्रहण नामक स्थान बनाए। संग्रहण, 10 गांव जहां इकट्ठे हो वहां पर एक संग्रहण, 10 गांवों के कल्चर में। अब तुम देखो जैसे हम लोग, या मेरे को तो अपना पंजाब का कुछ मालूम है, अभी भी वो करते हैं, ये इस गांव वाले उस गांव वालों को लड़की नहीं देते क्योंकि उनके यहाँ ऐसा होता है, इस गांव वाले उसको नहीं देते। हर कम्युनिटी के अंदर ऐसा बना हुआ है क्योंकि कल्चर अलग अलग होता है। तो 10 गांवों का कल्चर ऑलमोस्ट एक है। संग्रहण नामक एक प्लेस बनाए जहाँ इकट्ठे हों या कुछ हो किसी भी फंक्शन में। 200 गांवों के ऊपर खारवटिक, 200 गांव, ये हो गया 10 गांव, और 200 गांवों के ऊपर खारवटिक, ये कॉमन प्लेसेस है, खारवटिक। उसके बाद 200 के बाद अगला है 400 गांवों के ऊपर द्रोणमुख, द्रोणमुख। और लास्ट के अंदर कहता है 800 गांवों के ऊपर एक स्थानीय रखें।
ये स्थानीय विधायक करना शुरू किया ना छोटे छोटे गली कूचों में, ये बेसिकली 800 गांवों पर था। अब लिखा था शकरपुर में विधायक, स्थानीय विधायक, चार घर बने होते हैं उसके ऊपर एक विधायक है, वो भी कुछ नहीं करता। तो होनी है वीडियोग्राफी, इसलिए स्थानीय जो 800 गांव, 800 गांव का मतलब 500 घर एक पे, कितने सारे हो गए उनके ऊपर एक है, 10 गांव, 200 गांव, 400 गांव, 800, ताकि अभी जैसे लिखते हैं ना कि आपका क्या है घर ये, उसके बाद मोहल्ला ये, उसके बाद आपकी तहसील ये, ऐसे कई चीज़ें लिखी होती हैं ताकि आपको बिलोंगिंग हो कि हम इस गांव के हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, इस शहर के हैं, इस उसके हैं, तो वो सब मिले 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 लोग होते हैं, इस तरह जो है अपनी आबादी को बना गाँव। फिर सीमाएं कैसे करें, आप जो है इतना सबने के बाद सीमा के ऊपर जो है जनपद की सीमा पर अंतपाल रखें, अंतपाल नाम है उसका, अंतपाल, यहाँ पर एक गांव अंत होता है, उस अंत की रक्षा करने वाला अंतपाल कहलाता है। जैसे हमारी ये चांदनी, यानी पुरानी दिल्ली, इसमें बनाया है अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अंदर की पुरानी दिल्ली है, छोटी सी गेट के ऊपर जो है वो रहते हैं, कौन अंदर गया, कौन बाहर गया, कौन ये गया, कौन वहाँ गया, तो हर एक गांव की सीमा के ऊपर एक अंतपाल को रखे जो कि दरवाजे के ऊपर बैठे और उसकी जो है बनाए रखे, और भीतरी भागों के अंदर रहने के लिए, गेट के ऊपर तो वो करेगा लेकिन अंदर ही कोई बदमाशी हो जाए तब, इसलिए उस गांव के अंदर कुछ लोग व्याध हो, शिकारी हो, शिकारी भी उस गांव के अंदर रहे, और कुछ शबर हो, भील, कुछ पुलिंद हो, और कुछ चांडाल और वज्जर जातियां हो जिनको आजकल ST कहते हैं, वो भी गांव के अंदर रहे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द विलेजर्स, क्योंकि सब काम तो नहीं करेंगे शिकार का, सब तो नहीं किसी जंगली जानवर को हटाएंगे, वो सारे भी उसी के अंदर रहे ताकि वो एज ए स्ट्रेच एकदम उनके मदद कर सके, इसलिए वनचर जातियां भी साथ ही रहे। आप देखो भेदभाव कहां है, सब साथ साथ रहेंगे, नो ट्राइबल्स, सिस्टम हमारा बिगाड़ा इसलिए है क्योंकि जो जो कर रहा था उसको वहां से हटा के दूसरे में लगाया, वो भी नहीं आया, पहला नहीं आया। मुख्य तरह चीकू को संतरा बनाने में सरकार ने पूरे पैसे खर्च कर दिए, न चीकू संतरा बना न संतरा चीकू बना। अगर उसी चीज के अंदर हम ज्यादा मेहनत करें तो परफेक्ट हो सकता है, जो मैंने कल ऐसे ग्रुप में डाल दिया, उसके अंदर वो लेडी उसको कह रही है क्षत्रिय धर्म कहाँ बचा, क्षत्रिय खून कहाँ बचा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्षत्रिय खून क्या है, प्राण जाए पर वचन न जाए, निकाल ली तलवार तो निकाल ली, राजा का ये कर्तव्य है। अब कोई भी आपको उस फॉर्म में नहीं मिलता, जब उस फॉर्म में नहीं मिलता तो हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द धर्म, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये सब चीजें कई हद तक जेनेटिकली आती। ये हो गया, इसके बाद ये सारे जो है ये जातियां वनचर देश भील व्याध ये बीच गांव के लोग रहे, समय समय पर इनकी यूज किया जाए, वो आपस में भाईचारे में रहते हैं, वो खिलाते पिलाते हैं, लेकिन उनका काम ये होता है, किसान का काम ये होता है, सबके काम पटे। इसके बाद ऋत्विक है, पुरोहित है, आचार्य है, वेद पाठी ब्राह्मण है, इनको कहाँ बसाए, इनको जमीन दान दे, दान देने के बाद पैसा भी ना ले और हमेशा के लिए टैक्स फ्री भी कर दे, जैसे कि गुड़गांव में ना ये गुरु द्रोण को मिला हुआ था, द्रोण को मिला हुआ था, इसलिए गुरु ग्राम कहते हैं, अब दोबारा नाम BJP ने गुरु ग्राम किया है, ये द्रोण को दान में मिला था गांव, इसलिए इसका नाम था गुरु का गांव, गुरु गांव से गुड़गांव, गुड़गांव होता गया, अब दोबारा उसका नाम बदल के गुरु ग्राम कर दिया, ये गुरु जी को दान में मिली जमीन जो पोर्ट को मिली, और इसके ऊपर कभी भी उससे कुछ ना ले, कोई भी पैसा उससे जो है ना ले, कोई भी टैक्स वैक्स भी कुछ ना ले, मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को ऐसे ही दे, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री पढ़ाया जाता, अभी जापान में भी शिक्षा फ्री है, बच्चा कहाँ से पैसा लाएगा, उसके पेरेंट्स ही देंगे, बच्चे के पास तो कोई पैसे नहीं, इसीलिए बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलते हैं ना, उनमें कोई फेल नहीं होता, इतनी मोटी तनख्वाह ली हुई है, इतने मोटे पैसे से एडमिट किया है, तो फिर फेल क्यों करना है किसी को, ये भी अलग कियोस है, एजुकेशन शुड बी फ्री, एब्सोल्यूट।
ठीक है, तो राजा दाद में दे और उसके बाद गुरुजी उसके ऊपर छात्रों को पढ़ाए। जितने भी सरकारी एम्प्लॉई हैं, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, जितने भी हो, उन सबको भी रहने की जगह दे, जो सरकारी कॉलोनी और एचआर भी उनका ना काटे, पैसा भी उनसे कोई ना ले। लेकिन यदि वो उसके ऊपर कोई काम गलत करें तो जमीन भी ले ले, नौकरी से भी हटा दे। दूसरा, सबलेटिंग ना करें, उसका मिसयूज ना करें, जिसको मिला वही उसके ऊपर रहे। यदि राजा को पता लग गया, गुप्तचर तो इतने सारे लगा रखे हैं, तो उसको समूल नष्ट कर दे। क्यों उन्हें फ्री देना चाह रहा, बुद्धि देखो कितनी तेज है, उनको फ्री रखे। अब एक सरकारी एम्प्लॉय यहाँ से काम करके जाके बैठ जाता है नोएडा में 25 किलोमीटर दूर, राजा को पता ही नहीं लगता वहाँ क्या कर रहा है, उससे कौन मिलने आता है, कौन मिलने जा रहा है, ठीक है, अपने आसपास रखे, बिल्कुल फ्री, एब्सोल्यूट, पूरी निगाह रखे। लेकिन ना तो वो उसको मकान गिरवी रख सके, ना किसी और को दे सके, ना वो उसे बेच सके, ना उसका मिसयूज कर सके, करे तो नौकरी समय के साथ ही निकाल। इसलिए उनको बिल्कुल फ्री रखे अपनी मर्जी, हाँ एहसान दबा के रखे, इसलिए उनको फ्री दे। और इसके बाद जो खेती के योग्य भूमि है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब तुम देखो जमीनों का यूज कैसे कर रहे हैं, जो खेती के योग्य भूमि है उसके ऊपर राजा का पूरा अधिकार है। अभी भी वो बना होता है ऐसे लगे रहते हैं, ये खेती के लिए लैंड है, ये घर के लिए लैंड है, ऐसे लाल डोरे बने रहते हैं। जो खेती के योग्य जमीन है, जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है खेती योग्य जमीन, उसके ऊपर राजा का पूरा अधिकार है। यदि उसके ऊपर कोई किसान खेती कर रहा था और बहुत अच्छी खेती हो रही थी, उसके बाद वो मर गया, ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है उसके लड़के की वो जमीन रहेगी। राजा चाहे तो उसे दे, राजा ना चाहे तो उसे ना दे, उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी राजा की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आज के टाइम में हमारे पंजाब में देखो इतनी फर्टाइल लैंड है, हर किसान का बेटा कनाडा में बैठा है, उसमें से पैदावार क्या आ रही है, कुछ भी। वो कनाडा में बैठा है, उसका मालिकाना हक उसका है जमीन पर, और जो वहां काम कर रहा है वो मजदूर है, तो फायदा क्या हो रहा है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। इसलिए राजा क्या कहता है कि यदि उसका लड़का वहां ना हो, अगर खेती करना चाहे, उत्तम किसान हो, तो उसको वो दे, दोबारा उसी की दे, नहीं तो उसकी जमीन हार गई। अब तो सर बड़ा हो गया। और दूसरा, उसमें से जो लगान आता है वो लेता रहे, और राजा का अधिकार है उसे ले, पुत्र को दे या ना दे। क्योंकि देखो आजकल क्या हो रहा है, आजकल आप हरियाणा साइड में कहीं भी जाओ, लैंड है एग्रीकल्चर की, उसके ऊपर ईंट के भट्टे लगाने हैं, क्योंकि कुछ देर अब तो दोबारा जेल वेल में डाल रहे हैं ये लोग बिल्डर्स को। ईंट के भट्टे लगाने से जो जितनी जगह लगती है, आपने कभी लगा देखा होगा, जिसे देख लेना इंटरनेट पे कैसे हैं, दूर दूर तक जमीन बंजर हो जाती है। जैसे मेरी लैंड थी यहाँ से ला, मैंने भट्टा लगा दिया, क्योंकि मुझे तो इंस्टेंट पैसा चाहिए। आज की सबसे बड़ी समस्या इंस्टेंट है। किरण बेदी ने लेक्चर कॉलेज में दिया था, बहुत अच्छा लेक्चर दिया था, इसमें कोई शक नहीं। एक लाइन उसने ये बोली, आजकल लड़कियों के साथ क्राइम बहुत हो रहा है, सुनने वाली लाइन थी, लड़कियां सुन रही, उसका कभी तुमने पीछे देखा क्यों हो रहा है, उन्हें सब कुछ इंस्टेंट क्यों चाहिए, उसका खामियाजा इतना बड़ा क्यों, तुम्हें नहीं लगता इससे कुछ और अच्छी लड़कियां भी परेशान होती हैं बाद में दाम में। कैसे समझे, हम बिकते क्यों है कि हमें सब कुछ पहले मिल जाए, जब आप बिकेंगे तो आपका यूज भी होगा, फिर क्यों आते हो कि हमारे साथ ये हो गया। और उससे क्या होता है, सोसाइटी खराब होती है, जो हम जैसे नहीं बिकते उनके लिए लाइफ पहले से 4 गुना हार्ड हो जाती है, क्योंकि जिनको जो देने वाले हैं वो सोचते हैं ऐसे ही मिलता है, इनको क्यों देना। ये लाइन उससे पब्लिक में ओपनली बोली है, उसका अच्छा पब्लिक का वो है एक्सपीरियंस है, इसका मतलब शी हैज फेस्ड सो मेनी थिंग्स इन द लाइफ, क्योंकि लाइफ इज एंटायरली डिफरेंट फॉर हर। अब यहाँ पर क्या है कि वो जो जमीन है उसके अंदर एक जितनी लगाई, और मेरी पड़ोसी से बनती नहीं है, मैंने तो अपनी जमीन में भट्टा लगा लिया, लेकिन वो जो जल रहा है तो आसपास की जमीन भी जल गई, तो पड़ोसी का नुकसान बेकार हो गया फॉर नथिंग।
उसकी रोजी रोटी भी खराब हो गई। ये जो भट्टे लग रहे हैं उससे खेती की जमीन बंजर हो रही है, और एक टाइम तक नहीं, युगों युगों तक, बहुत देर तक बंजर है। इसलिए राजा खेती की जमीन को सबसे ज्यादा ध्यान दे, वो छीन लेकर लड़का खेती करने वाला दे। एमजी रोड पे सारा नाल ढो रहा है एरिया। हाँ, ये सारी मुसीबत ही इसीलिए हुई हुई है सारी। ये धौलक और क्राइम भी इसीलिए ज्यादा हुआ है। देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, किसी को भी खींच के अंदर डाल लिया और उसके बाद वो हाईवे निकल गए। जब हम शुरू शुरू में यहाँ पढ़ाने आते तो कहाँ होता था, लड़कियां चलती थी आराम से, क्या उसके ऊपर अब तो हालत खराब है धौलक। अब तो खुद ही हम इतने बड़े होकर भी अकेले चल रहे हो तो कहते हैं चलो जरा इकट्ठे चले, या कार से निकलना आसान लगता है, पैदल चलना मुश्किल लगता है। अब यहाँ के बाद लेकिन यदि कोई किसान जो जमीन डिक्लेयर्ड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए और ऊसर बंजर खाली पड़ी है, उसको हरा भरा कर ले, उसके ऊपर खूब पैदावार करे, उससे वो जमीन ना ले, उससे जमीन ना ले, उससे टैक्स भी ना ले, और तो और अगर उसके आगे बच्चे काम करना चाहे, उसने बाग बनाया हो तो राजा उसे भूमि पर पूरा मालिकाना हक दे, और यहां तक कि उसकी मेहनत का उसे उपहार भी दे, वो जमीन उसकी होगी। आप देखो लोग कैसे ढूंढ ढूंढ के, बंजर जमीन ढूंढ के उसे बगीचा बनाएंगे, है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, लोगों को फ्री दे दो, देखो कैसे जमीन हरी भरी होती है सारी, क्योंकि वो लैंड उसकी। ये सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि ऊसर जमीन को जो है ना उपजाऊ बनाने में बहुत 10-12 साल निकल जाते हैं और पूरा खून पसीना एक हो जाता है, तब जाकर के वो हरी भरी होती है, ऐसे नहीं होती। इसलिए उसको उपहार भी दे, उससे टैक्स भी ना ले, और उस जमीन के ऊपर उसका मालिकाना हक कर दे। और तीसरा, यदि कोई उपजाऊ जमीन को, खेती के योग्य जमीन को जोते ही ना, बैठा पड़ा रहे, करे ही ना काम, ड्रग्स में पंजाब को, ठीक है, तो उससे वो छीन ले जमीन, तभी तो गुप्तचर रखे हुए उसने इतने, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति जिसको खाने को रोटी नहीं उसको वो जमीन दे खेती कर देगा, उसको दे दे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना अमिताभ बच्चन किसान है मध्य प्रदेश में, उसकी जमीन दे, तो वो तो काम नहीं कर रहा, तो किसी और को वो जमीन दी जा सकती है ताकि वो उसके ऊपर खेती करे और अपने परिवार को बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, यदि किसी ने खेती के लिए जमीन ली हो, नाम लिया हो खेती के लिए जमीन और उसमें कुछ और कर दे, पूरी दिल्ली जो बसी हुई है रेजिडेंस में कमर्शियल हो रहा है, कमर्शियल में रेजिडेंस हो रहा है, तो वो कहता है लैंड यूज जब चेंज करो तो उससे वो चीज हथियार। खेती के नाम पर तुमने जमीन खरीदी और उसके ऊपर मॉल बना दिया, तो मॉल समेत ही हर गए, दे ही ना उसको, क्योंकि खेती सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, इसलिए उससे वो ले ले। फिर किसानों को अन्न बैल बीज ये सब मुफ्त मुहैया कराए। अभी बड़े भारी दानी बन रहे हैं हमारे पॉलिटिशियन है, चाणक्य कह रहा है उनको अन्न बैल ये सब चीजें फ्री दे। फ्री देने के बाद उनकी उपज देख, उपज देने के बाद रेशो प्रपोर्शन के हिसाब से सुविधा से थोड़ा थोड़ा लो, जैसे EMI कहते हैं ना, मकान तो ले लो फिर EMI देते रहो, तो इसी तरह जो उसकी पैदावार हुई है उससे EMI लो। अब इससे क्या होगा कि वो किसान पूरी तरह स्कैनर के अंदर आ जाएगा, राजा के जमीन कैसी दी थी, सॉइल कैसी थी, इसने कितना काम किया, आउटपुट कितनी आई, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक एक आदमी का ध्यान रखना है, अगर वो काम कर ही नहीं रहा हटा दे उसको, किसी और को दे दे तो मेहनत करे। अगर आपका इतना नहीं रखता तो स्कैनर में भी दुनिया आती, स्कैनर में हर चीज आनी, अन्न भी उसे फ्री दे, बीज भी दे दे, बैल भी दे दे, सिंचाई का पानी भी फ्री दे, और फिर EMI की तरह पैसा इकट्ठा करे, तो जो लैंड वाला होता है ना वो देखता रहता है इस लैंड से इतनी पैदावार आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो कहीं क्वेश्चन। इस तरह हर व्यक्ति जो है उसके अंदर रहेगा। फिर किसानों को स्वास्थ्य वृद्धि, किसानों की स्वास्थ्य वृद्धि और रुग्णता निवारण, एक तो वो हेल्थ उनकी परफेक्ट हो, और यदि कभी बीमार हो जाए तो मेडिकल एड एब्सोल्यूट फ्री होनी चाहिए। देखो किसानों को कितने फायदे हैं, अब सरकारी एम्प्लॉई को होते हैं, अब उल्टा दीदी मैं भी एडमिशन के बाद आई हूँ, कोई हमारी तो जनरल क्लोज हो गई, आ गए, बधाई हो आपको डॉक्टरेट हो गए, डॉक्टर प्रीति हो गई। तो यहाँ पर जो है अगली चीज उसके अंदर ये कहता है कि आपका जो है किसानों को ये देने से
आउटपुट और इनपुट का हिसाब बनाएगा। आजकल इनपुट पता नहीं लगती, वो फ्री ले जाते हैं, फिर हाय हाय किसान करते हैं, फिर कर्जा हो गया, फिर कांग्रेस आई उनका कर्जा माफ करती है, फिर बीजेपी माफ करती है, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, कर्जा बढ़ता ही चला जाता है, पता नहीं वो कब खत्म हो गया, ये नहीं पता। गॉट द पॉइंट? इसलिए पूरी तरह उसके ऊपर निगाह रखिए। किसानों की हेल्थ, मोदी जो तो हेल्थ के इंश्योरेंस कर रहे हैं, इंश्योरेंस कोई जरूरी नहीं है कि आप उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा लो। गुजरात में लोग इंश्योरेंस पर बड़ा विश्वास करते हैं, मैं तो नहीं करती। अब वो 10-10 रुपए हर बार लो फिर उनको कहो हम तुम्हें फ्री दे रहे हैं, ना ना ना, किसानों को फ्री दे, किसानों को जितनी भी मेडिकल एड है वो फ्री दे, क्योंकि आपका अनाज धन धान्य यदि ठीक आएगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करेंगे, और अगर वो ही नहीं होगा तो आप क्या चीज दिखाएंगे। आपके देश का जो होता है ना रुतबा, वो एजुकेशन से, आपकी कृषि उत्पादों से और व्यापार से बनता है। इसलिए इन तीन पर खासा फोकस रखना चाहिए। भारत की पहचान यहाँ के एकेडमिशियन, टेक्नोलॉजी, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, दूसरा हमारे जो उत्पाद है, जो हम उत्पन्न कर रहे हैं, दूध, फल, सब्जी, और जो हमारी इंडस्ट्री है, हम कैसा कपड़ा बना रहे हैं, हम कैसे चीज़ें बना रहे हैं, ये है। इससे आपकी कंट्री ऊपर जाती है। इससे किसानों को मेडिकल एड की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर देम। और उनको राजकोष से पैसा दें उनकी बीमारी पर, और यदि कोई किसान उसको लौटा दे कि भाई मेरे पास तो बहुत है, मैं बीमार हुआ, तुम पैसे वापस ले लो, तो ऐसे वाले किसान को क्या है, स्पेशल उसके अंदर दे, और राजा जो है उसके अंदर उसको स्पेशल उपहार दे, क्योंकि उसके लिए वो एक पिता की तरह काम होगा। अब देखो, एक लौट आता है तो दो लौट आएंगे, चार लौट आएंगे, पांच लौट आएंगे, सब लौट आएंगे। आज की सरकार कोई इंसेंटिव नहीं देती, आज की सरकार बेवकूफ बनने का, अकर्मण्य बनने का इंसेंटिव दे। कोई अच्छा पढ़े, कोई अच्छा वर्कर हो, किसी की बिजनेस अच्छी हो, कोई स्टूडेंट अच्छा, उसको कोई इंसेंटिव नहीं। जन्म से इंसेंटिव, महिला बनने से इंसेंटिव, जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट से इंसेंटिव, यही मिलते। इसीलिए हिंदी मीडियम के अंदर वो बेचारा स्लम में अपना घर ढूंढ रहा है कि किसी तरह मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। हिंदी मीडियम फिल्म के अंदर यही तो फिर रियल में भी एक केस हुआ ऐसे ही है। हाँ, संस्कृत स्कूल में भी। सरकार की जितनी भी पॉलिसीज है उसके अंदर बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं है। वो पता नहीं कौन कट्ठे बैठ करके पॉलिसी क्रिएट करते हैं, मैं तो कभी सोच नहीं पाती, या बाकी बोलते ही नहीं है। उसके अंदर कभी ये नहीं होता है कि जो 12वीं में फर्स्ट आए या जो 12वीं में बहुत अच्छा इनोवेटिव करे, अब कुछ शुरू करे हैं, पर इनोवेशन से अभी लोगों को पता नहीं लग रहा। भारत में नई नई बात है इनोवेशन, वो नया नया शब्द आ गया है। उससे पहले वाइस चांसलर ने शुरू किए थे इनोवेशन प्रोजेक्ट 2 साल, उसके बाद नेक्स्ट डीसी ने, नेक्स्ट इन्होंने बीजेपी वाले वो इनोवेशन प्रोजेक्ट तो छोड़ दो। कुछ ये था कि इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर तो थोड़ा ठीक था कि बुद्धिज्म वाले जाके हिस्ट्री से मिले, हिस्ट्री वाले, ये आज ही मैं बात मीनाक्षी से कर रही थी कि जो जेनेटिक्स के अंदर जो है, मैंने कहा अगर जेनेटिक्स की एक बात मानो, वो एक्स 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 वाई की बात, इसी से लेट हो गई 2 मिनट। मैंने कहा था वो पितृ, मैं सोचती आ रही से रहती, पितृ प्रधान सोसाइटी है, बड़ा सोच के बनाया होगा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होनी चाहिए। फिर सोचते सोचते मुझे किसी ने ये भेजा, तो हम केमिस्ट्री वालों से बात कर रहे थे कि वाई क्रोमोसोम जो है वो सुपर रहता है, वो डोमिनेंट ही करता है, तो वो दूसरे को बदल देता है, एक्स एक्स नहीं करता। तो हम ब्लड और इसकी चर्चा कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अगर इसको मानो तो जीन्स ही सारी कुछ कर रही है, तो चाणक्य बिल्कुल ठीक है, चाणक्य की बात बिल्कुल ठीक है। सिर्फ जेनेटिक्स, अब हम बायोकेमिस्ट्री के साथ बैठी थी, ज्यादा बीमारियों का कॉज भी जीन्स ही, जेनेटिक ज्यादा है, ये कैंसर ये सारी चीजें जेनेटिक ज्यादा है, डिप्रेशन बीमारी भी जेनेटिक ज्यादा है। तो हमने जो है ना, जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने हमारा जो कल्चर था ना उसको परे भेज दिया, और बोरोड कल्चर से हमने देश को चलाया। लोग क्या सोचते हैं, ओहो वो बहुत अच्छा है, अगर अमिताभ बच्चन बाल लंबे रखे तो सब लंबे रख लेते हैं, छोटा रखे छोटे रख लेते हैं, ऐसे ही तो है। फिर रोल मॉडल कोई बचा नहीं, जैसे उसने किया तैसी सबने किया, उन्होंने वो कल्चर छोड़ा, वो दूसरे कल्चर में चले गए, लोगों ने भी छोड़ दिया।
और गांव के लोगों को ये बताया कि तुम लोग तो ऐसे ही हो सीधे से, तुम तो मुकुट प्रथा, फलानी प्रथा, ढिंकी प्रथा में ग्रस्त हो, लेकिन उसमें ब्यूटी क्या थी ये उन्होंने नहीं देखा। वो सब चीजें टूट गई। महादेव वर्मा क्लाइन बिल्कुल ठीक है कि लेडीज को बाहर निकाला, घर भी टूट गया। इसलिए यहाँ पर जो है सिचुएशन के अंदर एक एक व्यक्ति जो है, और भूमि की सिंचाई कैसे हो, सिंचाई के लिए राजा बांध नहर ये सारी चीजें जो है वो खुद बनवाए, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना भी राजा का काम है। आजकल स्कूल और कॉलेजों के ऊपर डाल दिया है वाटर टैंक बनाओ, प्रिंसिपल की गलती अगर नहीं बनाओ, वाइस चांसलर की गलती, स्कूल के प्रिंसिपल की गलती, राजा की कोई गलती नहीं। वो कहाँ वाटर टैंक बनाए, सड़क पर बह जाएगा, अगर बिल्डिंग हमारी इतनी है तो बताओ कहाँ क्रिएट करें, अंदर सीपेज आएगी, पहले भी सोचा वेटलैंड बनाते हुए। तो बारिश के पानी को इकट्ठा करना भी राजा का काम है कि कहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होगा, और यदि कहीं लोकल लोग आगे आ जाए, कहीं कहीं ना लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, जब सबको पता ना मेरे को देख रहा है राजा तो अच्छा अच्छा काम करते हैं, जब तक टीचर देखता रहता है ना बच्चे नकल नहीं मारते, टीचर बाहर जाए तो सब नकल मारते हैं। तो वहां पर जो है राजा अगर कोई आ जाए, पब्लिक आ जाए कि हाँ यहाँ पर ये बनना चाहिए, क्योंकि लोकल लोगों को पता होता है बारिश का पानी इधर नीचे अपने आप आएगा तो कम पैसे से खोदा जाएगा, तो वहां पर लोगों को सारी सिंचाई की सुविधाएं मुहैया कराए और लेबर उनकी, और जो प्रॉफिट वो आधा आधा बांट ले, एक एक पैसे का हिसाब है पूरा, उनको सब चीजें दे फ्री में, जब क्रिएट हो जाए लेबर गांव वालों की, और जब प्रॉफिट आए तो आधा उनका आधा हमारा, तो देखो लोग कैसे कैसे सजाएंगे अपना गांव। पब्लिक प्राइवेट क्यों, क्योंकि लोग सजाएंगे ना, आधा पैसा उनके गांव को मिलेगा कुछ और करेंगे, और आधा मिलेगा सरकार को, दोनों की तरफ का फायदा है। तो अब ऐसी भी कोई स्कीम नहीं चलती, इसलिए नोएडा में चली है, चलिए नोएडा में, अच्छा पूरा वो कंपोस्ट बनाने के लिए 75% पैसा नोएडा अथॉरिटी देगी, 25% RWA देगी, हाँ। और अपने RWA में कूड़े की सेक्टर में कूड़े की मशीन लगवा दो, अच्छा उसको रेजिस्ट कर रहे हैं ज्यादातर सब लोग, क्यों सच में ग्रेट आईडिया, हम लोगों ने तो लगवा लिया हमारे RWA ने, अब हो जाता है कूड़ा प्रोसेस और लगा, 1 महीने से हो गया, अच्छा। अब जो देवालय है मंदिर और बाग बगीचे, इसकी जमीन राजा दान में दे, राजा इसकी जमीन दान में दे, कोई टैक्स वहां से ना ले, और यदि उसकी जगह पे कुछ और बना हो तो तोड़वा दे उसे। अब देखो जो को कोई भी अरा गरा नत्थु गरा कहीं भी दो मूर्तियां रखता अपना मंदिर बना लेता है। अब ये करोलबाग वाला मंदिर जो है हनुमान जी का इतना बड़ा बना लिया, यहाँ मंदिर होना ही नहीं चाहिए, चौक के ऊपर है, इतनी ट्रैफिक मुश्किल से निकलती है, क्या बताऊं, ये जो स्प्रिंगडेल्स के पास है वो ही सारे अपनी मर्जी, ये कहता है ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, राजा ने दान दी हुई जमीन पर ही बनी मंदिर, जो उसने जमीन दान ही नहीं दी उसके ऊपर ना बनी, ताकि वो देख करके वो करे। अब देखो जैसे इसे मंदिरों और मस्जिदों की बड़ी प्रॉब्लम हो, इसी तरह जहां भी कृषि है, कृषि उत्पादों की व्यवस्था की मंडी राजा बनवाए, पूरा चार्ज अपने आपके अपने हाथ में रखे, अपने हाथ में होना चाहिए, सक्सेसफुल वही होता है, आपने सबको छूट दी हुई है पर उन सबकी ना धागा आपके हाथ में है, जरा खींचा वो मरा, तब चलती है पॉलिटिक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक मंत्री के साथ जुड़ते हैं फिर उसको उखाड़ देते हैं, फिर उसके साथ जुड़ते हैं उसे भी उखाड़ते हैं, कोई कोई लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जिसकी पार्टी में जाते हैं पार्टी खत्म हो जाती है, फिर वो दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। तो वही दिन ऐसी हंसते हंसते बोला अपने साथ जोड़ते हुए देख लिया करो, ये जो गृद्र होता है जिस पेड़ में बैठता है ना वो टहनी सुखा देता है, अब आप लोगों को शक पड़ा है, पूर्व को सिर्फ पता लगा वो कौन है। उसके बाद जो खदान जो मिनरल निकलते हैं खदानों से, सोना चांदी ये सारे, इसके लिए भी जो विक्रय केंद्र है जहां पर ये सेल हो वो राजा बनवाए, ये कोई भी छुप करके तहखाना नहीं बनना चाहिए जहां पता ना लगे, हाँ इसलिए मंडी राजा बनवाए, विक्रय स्थल राजा बनवाए, क्योंकि खुद बनवाएंगे ना। आप देखो जरा चांदनी चौक में जाके सामने से सामान्य दुकान दिखती है, IMD में ही देखो, उसे बोले भाई साहब कुर्ता दिखा दे, कहता भी और भी है, तो कहाँ है, तो आपने कहीं टांग नहीं रखा, 2 मिनट रुको, ये जो ऐसे टाइलें लगी उसने 2 ऐसे उठाई कुंडी लगा के नीचे उतर गया, नीचे उतर गया तो नीचे से ला रहा है, जब इतनी सी दुकान 2 उठा के नीचे तहखाना बनाया वहां से ला रहा है, ये तो मुझे उतना दिखा, तो मैं देखने लगी, वो आदमी कुंडी लगा दी, कुंडी पता नहीं लगती उसके ऊपर लगी, ऊपर गलीचा लगा दी,
INA में आधी दुकान है इसमें, इसलिए जो है वो सारे मंडियां खुद बन रहा है, और चंदन और जो लकड़ी होती है जो विशेष लकड़ियां उनके बाजार भी खुद बनवाए, हाथी घोड़े पशु इत्यादि जहां बंधने हो वो भी खुद बनवाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मंडियां भी खुद बनवाए, बहुत काम है कंस्ट्रक्शन का। और जल और स्थल के मार्ग ये भी राजा बनवाए, इसके अंदर वो पब्लिक प्राइवेट वो मत दे, क्योंकि अब इनके यहाँ देखो कई लोग विरोध कर रहे हैं, क्या पता कौन कर रहे हैं, उन्हें ना सहनी केस के अंदर उसको जला दिया था, अब वो कूड़े के अंदर किसी को जला भी सकते हैं, कहेंगे कूड़ा तंदूर कांड में क्या हुआ था पता लगना था, अगर ना पुलिस को पता लगता कि तो मांस की स्मेल है तो जल जाती पूरी, केस ही ना बनता, तो अब जो है वो आप कूड़े को खुद जलाओगे तो लोग इधर उधर मार के वो भी जला देंगे, किसी को नहीं, वो जलाता नहीं, खाद बनाता, वो खाद बन जाएगी, बदले के बाद धो देंगे हड्डियां, हड्डी भी नहीं एक दो, पब्लिक के हाथ में मत दे रहे। फिर बड़े 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 बाजार जिसके अंदर चीजें लेनी हो वो भी राजा ही बनवाए, और राजा का एकमात्र दायित्व है इनके ऊपर कोई भी अपना बाजार जो मार्केट एसोसिएशन बनती है ना ये तोड़ देनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन खंडेलवाल जी कभी भी गाड़ियां रोक के खड़े हो जाते हैं, अखबार में खबर छप जाती है खंडेलवाल जी ने गाड़ियां रोकी, मैंने कभी देखा नहीं, लिखा आता है प्रवीण खंडेलवाल ने सभी गाड़ियों को रोका, नीचे तहखाने में नहीं जाने दिया, सड़क पे भीड़ लगवा दी, तो वो कोई इतना इंपॉर्टेंट इंसान है, इसे सब मार्केट एसोसिएशन तोड़ दे, सारे बाजारों पे एकमात्र अधिकार राजा, और जलाशय के अंदर जितने भी मछली झींगे मोती मुक्ता ये सारे निकलते हैं इसके ऊपर भी राजा का पूरा अधिकार है, नहीं तो लोग पता क्या करते हैं वहां के रहने वाले चीजें छुपा लेते हैं, वहां अपने आदमी लगाए किसने उठाई है चीजें, और उसका पूरा जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट खुद करे आदमी रखे ना उसमें, लेकिन वो सारी चीजें उसको मिले, और जंगल भी राजा की संपत्ति है, देखो कितना है, एक कोई हिस्सा छोड़ नहीं रहा, और गांवों में कहता नाट्य ग्रह क्रीड़ा स्थल नट नर्तक कुछ मत रखे, क्योंकि कृषि फुल डे वर्क है, ये जब देखने लगते हैं ना रामलीला और ये कृष्ण लीला गायन वादन तो कृषि से परे हट जाते हैं, कृषि बड़े मनोयोग का काम है, 24 घंटे कृषि के अंदर ही रहना चाहिए, तब कोई भी देश जो है समृद्ध होता है जब उसके यहाँ ग्रेन होता है, इसलिए ये सारे काम तल्लीनता से करें ताकि राजकोष में लगातार वृद्धि होता रहे, इससे कोई भी वहां पर ऐसा ना हो थिएटर बन गया रामलीला करने वाले आ गए ना, जब से टीवी लगे हैं तब से लोग खेती में कम इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे से खेत भी है उन्होंने पेड़ के साथ टीवी बांधा हुआ है, अब कितनी तार लगी होगी वहां तक आने में, बाकी टाइम में क्या करेंगे, उसके ऊपर ऐसे शेड बनाया हुआ था मैंने कहा नीचे पता नहीं क्या है, नीचे अंधेरा करके टीवी लगाया हुआ था उसका स्क्रीन लगाई हुई थी, इसी तरह मोबाइल तो कुछ पंछी खा जाते हैं कुछ चीजें खा जाते हैं तो ठीक नहीं बनता, इसलिए ये सब चीजें राजा का एक अधिकार है, छोड़ दी कोई चीज नहीं। चलिए आगे एक छोटा सा और हिस्सा कर लेते हैं फिर छोड़ दें, राजा के कर्तव्य दायित्व क्या है, बालक रक्षा किसकी करे, बालक बूढ़ा बच्चा प्रेग्नेंट लेडी पुत्रवती अनाथ इन सब का रक्षा करना राजा का दायित्व है, क्योंकि वो कहां से खाना खाएंगे वो राजा का दायित्व, दूसरा यदि कोई पुरुष समर्थ हो जाए और अपने बच्चों का पालन ना करे माता पिता का ना करे उसको 12 पण दंड दे, पण होता है सोने का सिक्का, वो ही करे तो अपने बाल बच्चों का पालन अपने माता पिता का पालन बहनों का पालन अविवाहिता विधवा बहन का पालन भी वही करे, और यदि कहता है वो सब हो और सन्यासी बन के बैठ जाए जेल में डाल दे ऐसे आदमी को, और जो अपनी पत्नी को लगातार सन्यासिनी बनने की शिक्षा देता रहे उसको भी दंड दे, नहीं तो आगे कैसे चलेगा, ठीक है, और परिवार का भरण पोषण करके अगर अनुमति दे घर वाले तब सन्यासी बने, ऐसे ना बने, लेकिन किसी भी केस में वो उनका पालन पोषण करे, हाँ एक केस के अंदर तुम पुरुष को बाध्य नहीं कर सकते, यदि स्त्री या कोई ऐसा उसका रिश्तेदार नाबालिग भाई पतिता हो गए हो, पतिता का मतलब है जो आपका घर का कल्चर है जो आपका धर्म है आप उससे च्युत हो गए हो आपको बेदखल कर दिया गया,
तब आप अपनी बहन को, अपने नाबालिग भाई को छोड़ सकते हो कि आपका आपसे कोई कनेक्शन नहीं, उसने उल्टे रास्ते चल पड़ा। लेकिन माँ का तब भी आपको वहन करना पड़ेगा, माँ चाहे पतिता हो चाहे कैसी, जिसने आपको जन्म दिया उसका वहन करना ही करना, चाहे वो कितनी भी निरर्थक और खोटी क्यों ना हो, उसको आप ही ने खाना खिला। इसलिए यहाँ पर जो लोग घूम रहे हैं आपके जनपद में, सिर्फ वनवान प्रस्थी को छोड़ करके कोई और घूमता ना दिखे, कोई और दिखे पकड़ लो उसे। अब एक हमारी कॉलोनी में सन्यासी ही आ जाते हैं, पता नहीं जाते हैं सामान ही उठा लेते हैं, कुछ पता नहीं लगता उसको। वानप्रस्थी क्या होगा? वानप्रस्थी वो होते हैं जो कि आपके गृहस्थ के बाद में तो पता होगा ये फलाने के दादाजी हैं या फलाने के पिताजी हैं, गाँव वालों को उसी को घूमने दे बस। वानप्रस्थी होता है घर से कोई मतलब नहीं, संन्यास के मार्ग पर चल पड़े, वन की तरह चलना है। लेकिन उसके अतिरिक्त कोई और गाँव में ऐसे घूमता दिखे, जनपद में घूमता दिखे, उसे पकड़ लो, क्योंकि वो गुप्तचर हो सकता है, वो आपका काम खराब कर सकता है, इसे उसे पकड़ ले, उसे कोई अधिकार नहीं। और सबसे अच्छी बात जो इसमें कहता है, राज्य के अंदर जो संघ बनते हैं, जनसंघ, जनसंघ का मतलब कुछ लोग इकट्ठे मिलकर यूनिटी बनाकर के कोई चीज क्रिएट करते हैं। जब वो इकट्ठे यूनिटी क्रिएट करें तो वो राज्य की भक्ति से कनेक्टेड हो या अपने धर्म से कनेक्टेड हो या अपने कार्य से कनेक्टेड हो, तब उसका संघ बनने दें। और कोई भी स्थानीय सहकारी संस्था मतलब कॉरपोरेट सोसाइटी जो करना चाहे तो वो करें, लेकिन यदि वो उससे अलग हो तो उन्हें उठा के पटक दे, पनपने ही ना दे। देखो तो आजकल एनजीओ कितना तंग कर रही है। आप मार्केट एसोसिएशन बोल रहे थे, संघ ही है ना एक तरीके से वो। मार्केट एसोसिएशन मार्केट की बहबूदी देख रहा है, धर्म की तो देख नहीं रहा। नहीं, पर सेम कार्य व्यापार के कार्य का संघ। व्यापार नहीं, व्यापार में तो इकट्ठे नहीं होने देना ना, किसी को दो इकट्ठे नहीं होने देना। सक्सेसफुल यही होता है कि इकट्ठे ना होने दो। आप यहाँ पर जो जैसे कि आपने टेक एन एग्जांपल ऑफ आर्य समाज या गुरुद्वारा है कुछ ऐसा ले लो, सर्टेन लोग इकट्ठे हुए गांव के, उन्होंने बोला कि हमारा एक बाबा है या हमारा पीपल के पेड़ के नीचे थड़ा बनाना है या यहाँ पर लेडीज पंछी को खाना डालेंगे, वो हो लेते हैं। लेकिन यदि वो यहाँ इकट्ठा गए कि यहाँ एक मजार बनाना है, उसके ऊपर झाड़ फूंक करनी है, ढिमका होना है, सिमका होना है, पनपने ही मत देना, शुरुआत में खत्म करते होंगे। देखो आजकल एनजीओ ने कितनी आफत मचा रखी, क्योंकि कहता है धीरे धीरे क्या होता है, ये चीज शुरू में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन बाद में क्रॉनिक रूप धारण करके आपके कल्चर को, आपकी चीजों को खत्म कर देती है। अब देखो जो मिशनरी स्कूल बने हैं, सॉरी टू से दिस, जो मिशनरी स्कूल बने हैं, वी टेक प्रेफर, हमारा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी, दिस दैट, ऐसे चल रहा है। वो क्या आप दिखा रहे हैं, वो आप क्या बता रहे हैं हमारे बच्चों को? अगर आप बच्चे को देखो तो बच्चे को घर में गायत्री मंत्र नहीं आता, बट दे नो द कैरल्स, दे नो ऑल दोस थिंग्स। 73-74 की बात है, मेरी एक कजिन, मैं तो स्कूल में था चौथी पांचवी, मुझे अभी भी याद है, वो स्कूल से आई, प्रेप में थी या किसी में, उसने बोला कि मम्मी, आई वाज सिटिंग देयर, मेरी मौसी थी उनकी बेटी, कि टीचर ने आज बताया कि जीसस क्राइस्ट सबसे अच्छे भगवान है, हाँ। क्योंकि वो पानी में डूबते नहीं है, कृष्ण जी डूब जाते हैं, हाँ। उसे तैरते दिखाया था, हाँ। कृष्ण जी की मूर्ति डिफरेंट होगी और डूब हाँ। गई थी, हाँ। दिस इज इन कानपुर की बात है, हाँ। इन ए कॉन्वेंट स्कूल, तो थोड़ा प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी दोनों की, एक तैर रहे, शी सेड कि मेरे को हमने दिखाया था, वो तैर रहे थे और ये डूब गए। वो कहते हैं आप ही के देश के अंदर लोग बैठ के आप ही के साथ राजद्रोह करते हैं, 73-74 की बात है, हाँ, इसको तो पलटी, इसको शुरुआत ही मत होने, पैदा होते ही मार जाए। अब देखो अमेरिकन ने इतनी एनजीओ बना के हमें फंडिंग करते हैं, हमारे देश के अंदर हमारी लेडीज को खराब कर रहा है, महिला वर्ग बना है, फलाने वर्ग बने हैं, अब ये रॉमन पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है, ये सब इसका नेगेटिव है, इसलिए उसको कहता पैदा ही मत होने, अपना कल्चर, अपना गाँव, अपनी संस्कृति सबसे ऊपर है। ठीक हो गया, आपने थोड़ा सा, और दुर्भिक्ष व्याधि जंगली लोगों से उसे बचाए, अगर ये से लोग मरे तो राजा की गलती होती है, अकाल आ जाए, जंगली जानवर मार दे तो राजा की गलती है। इसके बाद बेगार, कुछ लोग ना डंडे से बिष्टि बेगार से भी खेती कराते हैं, इससे किसान की रक्षा करें, कोई भी किसान बेगार में काम ना जाए, अंक के पैसे। और वन यही तो भाई कहते हैं जो राजा के प्रिय लोग होते हैं ना, जो राज्य अधिकारी होते हैं वो भी किसानों को चूसते हैं, उनके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखते हैं, हाँ, जो सिरा भी लगा पटवारी सब कुछ हो उसको भी करें। और सबसे ज्यादा लुटेरे वहां रहते हैं जहां पर ट्रेड का आगे पीछे होता है, जैसे कि बंदरगाह, कोस्टल एरिया,
जैसे कि एरोड्रोम के पास, वहां पर पता नहीं लगता, वो फिल्मों में तो हमेशा दिखाता है ना, वो इतने ड्रग उतरे इधर से इधर चले गए, माल के अंदर छुपा के ये दे दिया, वहां लुटेरे बहुत होते हैं। कहता उस जगह स्पेशल फोर्स लगा के रखे, कोई किसी को लूट ना सके। ये हो गए राजा के कर्तव्य सारे के सारे। इसके बाद अगली बात करेंगे ऊसर भूमि को कैसे अच्छा लगा। यस हमेशा चाणक्य का वर्षन ये है कि गांव हमेशा ज्यादा होनी चाहिए शहर से। ये तो सर उसने ना ये किया है, 100 घर मिनिमम, 500 घर मैक्सिमम का एक गांव। अब ये नहीं है कि मेरा गांव इससे बिल्कुल डिफरेंट है, वो सब मिलजुल के रहे। 10 गांवों के ऊपर एक कॉमन प्लेस बनाए संग्रहण, हाँ जी क्लस्टर। नगर जो है इसके बाद ये गांव खत्म करके नगर में करेंगे। 100 से 500 के बीच में नगर अपार्टमेंट। हमेशा चाणक्य के हिसाब से सबसे ज्यादा जो लैंड का यूज खेती के लिए होना चाहिए। ये पॉपुलेशन हम इन सब की ग्रामों में ज्यादा पॉपुलेशन ग्राम, क्योंकि उसका मेन काम ना कल्चर को संभाल के रखना है। जब हम कल्चर संभालते हैं ना तो एक बच्चा अनजाने में ही बड़ा हो जाता है। आजकल हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या हो रहा है, एक एक बच्चे को समझाने में दिमाग खराब हो रहा है। जब बड़ा घर होता है ना तो वो अनजाने में ही दादी चार चीज बता देती है, कोई मामा बता देता है, कोई नानी बता देती है, बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है पता ही नहीं लगता। और वो एक वेल सेट तरीके से बड़ा होता है। और अब तो एक कोई बड़ा करने के अंदर बड़ा मुश्किल है, ग्रूमिंग करते रहते हैं। हाँ, ग्रूमिंग 24 घंटे होती है बच्चे की, और वो ना अनजाने में वो सारा कल्चर सीख जाता है, जिसको कि हम वैसे नहीं सिखा सकते। अब जैसे बताया अजय जी ने अभी कि जीसस सबसे अच्छे भगवान है, ये तो बच्चा पढ़ के आया, माँ नौकरी पे गई है, रात को 8 बजे आएगी, तब तक उसने यही समझा जीसस सबसे अच्छे भगवान है। 9 बजे माँ थकी आई, क्या बताएगी जीसस, वो धो भी नहीं पाएगी जो उसने पहले देखा, बचा कुचा मोबाइल। हाँ जी सर, राजा सेंट्रिक। यस सर, आजकल की बात हो रही है डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेसी में भी ऑटोक्रेसी होती है। राजतंत्र की बात हो रही है, ये तो सारी है राजतंत्र है, लेकिन जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर भी ये होना चाहिए। हमारा जो कल्चर शुरू किया ना इन्होंने बहुत गंदा शुरू किया हो रही है। मैं सोच रही हूँ मोदी अघोषित, लेकिन मेरे जैसा अच्छा आदमी, मतलब मेरे जैसा आदमी सोचता है मोदी स्मार्ट आदमी, अगर ये ऐसा चला तो चल जाएगा, कर जाएगा मोदी जो कुछ। पर इंदिरा गांधी के टाइम में भी तो यही था, बाकी सब तो पपेट ही थे, जो इंदिरा जी करती थी वो होता था, कहाँ कुछ चेंज था, कोई चेंज नहीं था। ये कि तब शोर कम मचा रहे थे कांग्रेस, स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर लिटिल मोर I don't know, chief minister के पास ज़्यादा autonomy थी। ये presidency की बात क्या हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, उसको सामने लाओ। आधी रात को वो शिफ्ट चाहे। सही है। है रुपी ऐसे democracy के तभी आप सबको राजा बना के सबकी कमान हाथ में रखो, बोल ही सकता। ये तो सराब।